Hello guys, welcome to Study for Civil Services. Today is 8th of July 2019 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Is lecture ko exclusively civil services examination ko dhyan mein rakhte hue prepare kiya gaya hai. To aap mein se jo bhi UPSC civil services ya fir kisi bhi state civil services examination ki taiyari kar rahe hain to video ko end tak zarur dekhiyega. Guys, yahan par hum log multiple sources ki news ko cover karte hain, jaise ki the Hindu, Indian Express, Live, Mint, Times of India, jaise jo newspapers hote hain unki news ko cover kiya jata hai, PIB ki reports ko cover karte hain, Rajya Sabha television mein jo bhi important news discussion debates aati hain unko discuss karte hain, plus various magazines jaise ki EPW, Down to Earth ke bhi articles ko discuss karte hain. सो गाइज ये लेक्चर आप लोग को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ को करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होती हैं, जिनसे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्रिलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. प्लस गाइज जो भी कंसेप्चुअल न्यूज़ होती हैं उनसे रिलेटेड मैं आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करता हूँ, प्लस मेन्स आंसर राइटिंग के लिए आप लोगों को न्यूज़ में से क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ. और साथ ही साथ गाइज न्यूज़ में जो भी जनरल स्टडीज़ का टॉपिक आता है, स्टैटिक पोर्शन आता है, उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलते हैं. सो इसी प्रकार से डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करते हैं. सो गाइज फटाक से जो नीचे लाइक का बटन दिया गया है, इस लाइक के बटन को हिट कर दीजिएगा और चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन पर हिट किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों बटन्स पर हिट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं. यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाती है एग्जामिनेशन की, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है, प्लस समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं. सो गाइज इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे फ्री टेलीग्राम के ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं. जो टेलीग्राम की एप्लीकेशन है वहां पर अगर आप इन यूजर नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. वहां पर आपको हम लोग फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से. तो यहाँ पर बात की जा रही है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 के बारे में. तो गाइस इन तीनों में से करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं. तो ये पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझेंगे कि ये सरोगेसी क्या होती है, फिर हम लोग स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, ठीक है. तो गाइस सरोगेसी को समझने के लिए हम लोग बात करेंगे किंग खान के बारे में, शाहरुख खान के बारे में, क्योंकि देखो आप सभी जानते हैं गाइस शाहरुख खान का अभी कुछ समय पहले थर्ड चाइल्ड हुआ है जिसका नाम है अबराम. काफ़ी फेमस चाइल्ड था ये और काफ़ी समय पे मीडिया में छाया हुआ था. और शाहरुख खान की जो वाइफ हैं गाइस उनका नाम आप सभी जानते हैं गौरी है. तो अबराम के फादर और मदर कौन है? अबराम के फादर और मदर है शाहरुख खान और गौरी खान, हम लोग को देखने को मिलता है. बट अबराम का बर्थ हुआ है एक सरोगेट मदर के थ्रू. ऐसा बोला जाता है कि गौरी खान की जो सिस्टर जो है, बहन जो है, उन्होंने अबराम को बर्थ दिया है. बट इस केस में गई यहाँ पर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो थर्ड वुमेन जो होती है, जो सरोगेसी जिसके थ्रू करवाई जाती है, जो सरोगेट मदर होती है, उसके सिर्फ वोम का उपयोग किया जाता है. उसके सिर्फ वोम यानी कि उसके बॉडी पार्ट का सिर्फ उपयोग किया जाता है एक बेबी के डेवलपमेंट के लिए. यहाँ पर इस पर्टिकुलर वुमेन के जीन्स से कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी कि आप ये नहीं बोल सकते कि जो अबराम जो है उसमें जीन्स जो होंगे वो इसकी मौसी के भी होंगे, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. क्योंकि यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि अबराम जो है वो जेनेटिकली शाहरुख खान और गौरी खान का ही बेबी है, राइट. यानी कि शाहरुख खान की अगर बात करें एक्स वाई और गौरी खान के एक्स एक्स की बात करें तो गाइज इन दोनों को मिलाकर हम लोग को देखने को मिलता है, आपको पता होगा रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जिसमें एक क्रोमोजोम जो है वो लिया जाता है, एक पेयर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि फादर से लिया जाता है और एक जो है वो मदर से लिया जाता है. तो इसके चलते एक पेयर जो है वो बन जाता है और ये अबराम का पेयर बना है. तो इसमें क्या हुआ है गाइस कि इसमें बॉडी के अंदर जो फ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो ना करवा के मतलब मेडिकली और क्लिनिक्स में जो है वो इसकी प्रोसेस होती है, यानी कि क्लिनिक में ही क्रोमोसोम्स जो है वो मदर और फादर से ले लिए जाते हैं और उसके बाद उसका फ्यूजन होता है और फिर जो है वो थर्ड पर्सन की बॉडी के अंदर जो है वो इसको डाल दिया जाता है. यानी कि इनका सिर्फ वोम का उपयोग होता है जहाँ पर वो बेबी जो है वो ग्रोथ ले सके, उसका बर्थ हो सके. समझ में आ रहा है आपको पूरी बात? यहाँ पर क्या हुआ है कि जेनेटिकली जो है वो आउटसाइड यानी कि बाहर क्लिनिक में ही फ्यूजन की प्रोसेस करवाई गई इस पर्टिकुलर सरोगेसी के केसेस में. और यहाँ पर क्या होता है कि जब फ्यूजन एक बार हो गया यानी कि मिक्स हो गए दोनों क्रोमोसोम तो उसके बाद इनकी बॉडी में जो है वो एंटर कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को, बेसिकली इनके वोम्ब में, जिससे क्या होता है कि इनका वोम जो है वो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि एक शेल की तरह जो है वो काम करता है, एक मदर का वोम जहाँ पर बेबी जो है वो गाइज वो बर्थ लेता है, उसका बर्थ हम लोग को देखने को मिलता है और उसका ग्रोथ उसकी देखने को मिलती है, राइट. तो हम लोग ये नहीं कह सकते जो सरोगेसी के थ्रू हुआ जो चाइल्ड होगा उसमें जो जीन्स होंगे वो सरोगेट मदर के भी इन्वॉल्व होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं. सरोगेट मदर को सिर्फ एज अ ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ एज अ जो उसके बॉडी जो है उसी का उपयोग किया जाता है, एक तरह से शेल की तरह जो है वो उसका उपयोग किया जाता है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं. इसमें जेनेटिक रोल जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता.
तो गाइज ये है पूरी प्रोसेस, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सरोगेसी की प्रोसेस क्या होती है, राइट तो इसमें गाइज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप देख लेते हैं इसमें कि ये जो सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 जो है वो एक्चुअल में क्या है, और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है कि सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में, जिसका मेजर मकसद ये होगा कि कमर्शियल सरोगेसी को इंडिया से बैन करना है, प्रोहिबिट करना है। तो गाइस देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। तो इसमें सबसे पहले तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात की गई है, तो बताया जा रहा है इट एम्स टू इंश्योर इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ सरोगेसी। तो ये क्या करेगा गाइस कि सरोगेसी जो इंडिया में होती है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू देखने को मिलेंगे। सेकेंडली इट प्रोहिबिट्स कमर्शियल सरोगेसी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में कमर्शियल सरोगेसी को प्रोहिबिट करेगा ये बिल, बैन करेगा ये बिल, ये वाली बात बताई जा रही है, और सिर्फ एथिकल सरोगेसी को ही अलाउ किया जाएगा। एथिकल सरोगेसी यानी कि मतलब ये वो सरोगेसी होती है जिस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर मॉनेटरी पैसों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होता, और इसमें ये भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इसमें अलाउ सिर्फ उन्हीं को किया जाएगा जो लोग जो अपने उनके किसी फैमिली मेंबर्स के थ्रू ही सरोगेसी जो है वो करवाएंगे। यानी कि इस केस में अगर देखें हम लोग कि शाहरुख खान और गौरी खान के केस का जो मैंने आपको बताया था, जो सरोगेट मदर जो थी वो गौरी की बहन थी, सिस्टर थी, राइट। तो ऐसे केसेस में ही सिर्फ होगा, और यहाँ पर स्पेसिफिकली मॉनिटरी बेसिस पर सरोगेसी जो है उसको बैन करने की बात की गई है, इसलिए कमर्शियल सरोगेसी की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड टू रेगुलेट बिल will establish a national surrogacy board at central level and state surrogacy board and appropriate authorities in the state and union territories। तो guys इस particular bill के through central level पर एक national surrogacy board जो है वो establish किया जाएगा, state level पर state surrogacy board और various authorities हम लोग को देखने को मिलेगी state level और union territories level पर, right। और वाइल कमर्शियल सरोगेसी विल बी प्रोहिबिटेड इंक्लूडिंग सेल एंड परचेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोज एंड गैमेट्स, ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। तो ह्यूमन एम्ब्रियोज और गैमेट्स के सेल्स और परचेज को भी जो है वो प्रोहिबिट बैन किया गया है इस पर्टिकुलर रूल के थ्रू, बिल के थ्रू। और इसमें ये वाली बात बताई गई है कि एथिकल सरोगेसी फॉर नीडी कपल्स विल बी अलाउड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड कंडीशन, यानी कि एथिकल सरोगेसी सिर्फ कुछ कंडीशन के ऊपर बेस्ड ही अलाउ की जाएगी। जैसे कि एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि सरोगेट मदर जो होनी चाहिए वो बेसिकली जो कपल जो होंगे उनकी फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए, तो ये वाला भी एक इसमें रूल हम लोग को, कंडीशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये है गाइस, ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, बट ये बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ी सी और डिटेल में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो बिल विल ऑल्सो प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सरोगेट मदर्स एंड चिल्ड्रन बॉर्न थ्रू सरोगेसी। तो देखो गाइस होता क्या है कि हम मतलब अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो एट प्रेजेंट एक सरोगेसी हब जो है वो बन चुका है। यहाँ पर कई सारे फॉरेनर्स जो हैं वेरियस कंट्री से वो इंडिया में आते हैं और यहाँ पर सरोगेसी करवाते हैं। तो इस बीच क्या हुआ है गाइस कि जो वुमेन जो इन्वॉल्व रहती है सरोगेसी में, तो उसका एक्सप्लॉयटेशन बहुत लार्ज लेवल पर हम लोग को देखने को मिला है, एक्सप्लॉयट किया जाता है उनको, और इवन ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस भी जो है वो सामने आए थे। जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स क्या करते हैं गाइस, उन्होंने जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन का एक बिजनेस है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकर्स के द्वारा जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है, राइट। तो ऐसे ही जो बिजनेस है गाइस उसमें वुमेन को एज अ सरोगेट मदर के बिजनेस में जो है वो डाल दिया है, एंटर कर दिया और फोर्सफुली जो है ये डाला गया है, राइट। जैसे कि कई सारे केसेस हम लोग देखते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जहाँ पर फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन में वुमेन को इन्वॉल्व किया जाता है, वैसे ही एक नया हम लोग को ह्यूमन ट्रैफिकर्स का बिजनेस देखने को मिला है जिसमें वुमेन को फोर्सफुली जो है वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है, राइट। तो इस चीज़ को जो है वो बेसिकली रोकना और इसके लिए पूरे प्रॉपर रेगुलेशन होना ज़रूरी है, तो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर बिल यहाँ पर सामने आया है। और सेकेंडली क्या होता है गाइस कि अब ऑब्वियसली बात है कि कोई मदर है गाइस जिसके वोम में काफ़ी समय तक बेबी जो है वो रहता है, डेवलप होता है, तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी जो है वो बेबी से हो जाता है। कई सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं कि जैसे ही बेबी बर्थ लेता है उसमें सरोगेट मदर का इमोशनल अटैचमेंट उस बेबी से इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बहुत सारे केसेस में उस बेबी को लेकर भाग जाती हैं, या फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो पेरेंट्स जो हैं गाइस उनको वो बेबी देने से मना कर देती हैं, राइट। तो ये वाला भी एक ऐसे बहुत सारे केसेस और इवन लीगल बेसिस पर भी केसेस हम लोग को देखने को मिले हैं जो कि इवन दिल्ली हाई कोर्ट में भी रजिस्टर्ड हुए हैं, राइट। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न सामने आया था।
and there will not be any financial implication except for meeting of national and state surrogacy board and appropriate authorities. तो इसमें देखो कोई भी इस बिल के थ्रू कोई भी फाइनेंशियल implications की बात नहीं की, यानी कि फंडिंग्स वगैरह की कोई बात नहीं की गई है इस बिल के, जैसा होता है नहीं कि कोई अथॉरिटी जो सेटअप की जाती है तो उसके फंडिंग्स की बात की जाती है, तो वैसा इसमें कोई भी बात नहीं की गई. बस इसमें यह बोला गया है जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा वगैरह जो आएगा नेशनल और स्टेट बोर्ड जो होंगे सरोगेसी बोर्ड उसको सेटअप करने का और उसके मेंटेनेंस और उसके मतलब जो भी वेरियस एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, तो उसमें जो खर्चा जो है वो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के द्वारा या फिर उनके बजट के द्वारा जो है वो मेट आउट किया जाएगा, राइट. तो ये वाली चीज़ भी थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा. तो इस रेगुलेशन की क्या आवश्यकता, तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इंडिया जो है वो हब बन चुका है, इसमें कई सारी मदर्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं सरोगेसी की, राइट. और इसमें मैंने आपको बताया कि बच्चे जो हैं उनको देने से मना भी कर दिया जाता है कई बार, और ऐसे रैकेट्स ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व हो चुके हैं जो कि क्या कर रहे हैं ह्यूमन एम्ब्रियोज गैमेट्स को जो है वो इम्पोर्ट करवा रहे हैं. ह्यूमन एम्ब्रियोज गैमेट्स को इम्पोर्ट करवाना मतलब दूसरी कंट्री के लोगों के जो क्रोमोसोम्स वगैरह जो होते हैं एम्ब्रियोज वगैरह जो होते हैं उनको इम्पोर्ट करवाया जाता है. फिर यहाँ पर इलीगल तरीके से जो है वो ये बिजनेस जो है वो शुरू हो गया है सरोगेसी का. एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 228 रिपोर्ट में भी यही पाया गया है, उन्होंने रिकमेंड किया है कि कमर्शियल सरोगेसी को इंडिया से बैन किया जाए बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ केसेस जो कि रिपोर्ट किए गए हैं अबाउट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन सरोगेसी बिजनेस. तो ये वाली चीज़ भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली है. और अलाउ किया जाए अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी को. तो अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी जो है गाइस वो क्या होती है, इस चीज़ को आप समझो. तो मैंने आपको जो बताया था ना कि एथिकल सरोगेसी जो होती है उसमें क्या होता है गाइस कि जो क्लोज रिलेटिव जो होते हैं मतलब बेसिकली एक कपल के, तो उन्हीं को जो है वो बनाया जाएगा एज सरोगेट मदर, क्लोज रिलेटिव को. जैसे शाहरुख खान और गौरी खान के केस में ऐसा कहा जाता है कि जो अब्राहम ने जिस पर्टिकुलर मदर के थ्रू बर्थ लिया है वो गौरी खान की सिस्टर थी, क्लोज रिलेटिव थी. तो उसी केसेस में जो है ये अलाउ किया जाएगा. और इसमें ये भी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये भी बताया गया है कि उन्हीं को अल्ट्रूस्टिक सरोगेसी करने का मौका मिलेगा या फिर एथिकल सरोगेसी का मौका मिलेगा जो पर्टिकुलर कपल जो है मैरिड कपल जो कि 5 सालों से जिनकी मैरिज हो चुकी है बट उनका बेबी जो है वो नहीं हुआ है, राइट. तो चाइल्डलेस कपल को ही ये अलाउ किया जाएगा. एंड 5-year पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन स्पेशली फॉर प्री, ऑल्सो प्री में भी ये पूछा जा सकता है, राइट. तो गाइज ये था पूरा ओवरऑल मतलब टॉपिक सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 से रिलेटेड. आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होंगी अच्छे से. दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक अशादी बीज के बारे में. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशादी बीज जो है वो किससे रिलेटेड है. तो गाइज ये ऑस्पीसियस डे है फार्मिंग कम्युनिटीज़ का, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में जो है ये मनाया जाता है. ये बेसिकली एक तरह का फेस्टिवल है, अशादी बीज इस फेस्टिवल का नाम है, राइट. तो ये गुजरात उत्तर प्रदेश और कई सारे प्लेसेस जो होते हैं नदर इंडिया के वहाँ पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. और स्पेशली इस फेस्टिवल में मॉनसून को जो है वो प्रिडिक्ट किया जाता है. तो मॉनसून के प्रिडिक्शन से रिलेटेड सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पर फार्मर्स कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है. तो देखिए अशादी बीज अगर आता है तो यू शुड बी वेरी अवेयर कि ये एक फेस्टिवल है जो कि फार्मिंग कम्युनिटीज़ के द्वारा जो है वो मनाया जाता है और जहाँ पर बेसिकली प्रिडिक्ट किया जाता है मॉनसून के बारे में और उसको लेकर ये सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, राइट. दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक में बात की जा रही है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के बारे में. तो देखिए गाइस ये कॉरपोरेशन है यानी कि एक कंपनी है ये बेसिकली, पहली चीज़ तो ये चीज़ क्लियर कर लो आप, राइट. और देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है. तो इट इज़ अ प्रीमियर एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विस टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द कंट्री. तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बेहतर तरीके से जो कंपनीज वगैरह जो है वो एक्सपोर्ट करें इंडिया से, तो उनको प्रमोट करने के लिए ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन हम लोग को देखने को मिलती है जो कि एक एजेंसी जो कि एक कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. और ये क्या करती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, यानी कि जो बिजनेस जो है जो कि इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर हम लोग को देखने को मिलता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इंडिया की, राइट. तो वो लोग जो एक्सपोर्ट करवाते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स इंडिया से, तो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो उनको इंश्योरेंस मिल सके इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट. तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है शिप वगैरह में या फिर उनका प्रोडक्ट जो है वो घूम जाता है या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी आया गया है कि जो इंपोर्टर जो होते हैं दूसरी कंट्री के वो क्या करते हैं गाइस, तो वो एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट जो है वो मंगवा लेते हैं बट उसके पैसे जो है वो उनको भेजते नहीं हैं.
तो ऐसे कंडीशन में भी जो एक्सपोर्टर्स जो होते हैं उनको लॉस होने लगता है. तो बेसिकली एक्सपोर्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और इंडिया में भारी मात्रा में एक्सपोर्ट की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो इस चीज़ को याद रखिएगा गाइस. अब वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन की इंडिया का एक विजन है कि इंडिया को 2021 तक एक्सपोर्ट्स को दुगना करना है, टू टाइम्स डबल जो है वो एक्सपोर्ट को इंडिया को करना है. तो ये इनका विजन है, ये भी आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं. एंड इट ऑफर्स क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम टू एक्सपोर्टर्स टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट लॉसेस ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूज बाय ओवरसी बायर्स ड्यू टू पॉलिटिकल एंड कमर्शियल रिस्क. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्या ऑफर करता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि जो इम्पोर्टर वगैरह जो होते हैं, जो दूसरी कंट्री के जो बायर्स होते हैं जो इम्पोर्ट कराते हैं प्रोडक्ट इंडिया से, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन लोग जो है वो पेमेंट नहीं देते एक्सपोर्टर को, यानी कि इंडिया में पेमेंट जो है वो आती नहीं है, जिसके कारण से लॉस होने लगता है एक्सपोर्टर्स को और उसके बाद वो एक्सपोर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना नहीं पसंद करते क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई इंश्योरेंस सर्विस उनके पास नहीं अवेलेबल होती. तो ये जो है कॉर्पोरेशन जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये उनको जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि अगर उनको पेमेंट नहीं मिलता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो उनको पेमेंट प्रोवाइड करा देगी. तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम ऑफर करेगी एक्सपोर्टर्स को. तो बहुत ही शानदार चीज़ है एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की. तो आप ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर कोई आपके आंसर को अगर आपको एम्फेसाइज करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस एजेंसी का नाम जो है वो मेंशन कर सकते हैं अपने मेंस में. इट फंक्शंस अंडर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करेगी. तो ऑब्वियसली बात है कि कॉमर्स और इंडस्ट्री की बात की जा रही है, एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो है ये ऑपरेट करेगी. तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसके अंडर होगा, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है वो मैनेज किया जाएगा. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, कई सारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, यानी कि जो मिनिस्टर होंगे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वो इस बोर्ड के हेड होंगे. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी इसमें हम लोग को देखने को मिलेंगे, बैंकिंग और इंश्योरेंस और एक्सपोर्टिंग कम्युनिटी के कर्मचारी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑफिशियल्स, राइट. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखिएगा. अब नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें गाइस, तो बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स और IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट जो है वो साइन किया गया है, जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि IBM जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगी और वेदर टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जो है वो लेकर आएगी. देखो क्या होता है गाइस कि हम लोग देख रहे हैं आज की रेट में कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है 2022 तक, एग्रीकल्चर को एनहेंस करने की बात की गई है. अभी जो बजट जो है हम लोग को देखने को मिला, जो प्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में रिलीज हुआ है, तो उसमें भी एग्रीकल्चर कृषि पर जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, राइट. हम लोग ने इस पर मतलब आपने देखा होगा गाइस, अगर आप में से जिन लोगों ने भी बजट वाले हमारे टॉपिक को नहीं देखा है, जो कि ज्ञान सर जो है हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के फाउंडर, उनके द्वारा ये बनाया गया है बजट वाला वीडियो. इसी पर्टिकुलर अगर आप चैनल की बात करें तो इसमें भी आपको मिल जाएगा, और हमारे मेन चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको बजट का भी रिसेंट वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पर आपको पूरी प्रॉपर एनालिसिस की गई है. करीब 1.5 घंटे का ये वीडियो है जिसमें आपको प्रॉपर एनालिसिस करवाई गई है बजट के बारे में, राइट. तो उस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा देखिएगा, उससे रिलेटेड नोट्स बनाइएगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी और वेरियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बजट से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं, राइट. तो आपको पता होना चाहिए बजट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है. और देखो बजट की जो यहाँ पर बात की जा रही है गाइस, तो यहाँ पर यह भी बोला गया है कि मतलब वही एग्रीकल्चर के बारे में फोकस किया गया है, तो इसके लिए यहाँ पर वेदर टेक्नोलॉजी सोल्यूशन की बात की जा रही है, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे पास इतनी एडवांस मशीनरीज टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं है जो कि वेदर वगैरह को प्रॉपर टाइम पर प्रिडिक्ट कर सके. तो IBM जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वेदर टेक्नोलॉजी को बेटर तरीके से प्रिडिक्ट करने पर फोकस कर रही है, जिससे कि फार्मर्स को बेहतर प्रॉफिट जो है वो मिल सके, राइट, एक बेहतर एक्यूरेट प्रिडिक्शन के थ्रू. तो ये जो एक अभी पायलट बेसिस पर जो है वो काम इसका शुरू होने वाला है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी लगाई गई है, ये स्पेशली 3 डिस्ट्रिक्ट में अभी चूज़ की गई है, और जो कि मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की राजकोट और महाराष्ट्र की नांदेड. तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं गाइस जहाँ पर पायलट बेसिस पर अभी काम शुरू हो रहा है, जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है, और उसके बाद अगर ये सक्सेस हो जाती है इन 3 डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर तरीके से ये टेक्नोलॉजी का उपयोग, तो रेस्ट ऑफ द कंट्री में भी ये जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो IBM के द्वारा क्रिएट की जा रही है, तो उसका भी उसको रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो है वो डिलीवर किया जाएगा, राइट. तो ये वाली बात यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रही है. तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड. दोस्तों बात की जा रही है सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन्स के बारे में. तो देखो सिंपल तरीके से ये समझो आप, जो अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रिलीज हुआ है, पब्लिश किया है, तो इकोनॉमिक सर्वे के पब्लिश होने पर एक प्रपोजल रखा गया था इस इकोनॉमिक सर्वे में
कि एक सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन होना ज़रूरी है। इसमें कुछ भी नहीं है गाइज, इसमें सिंपल तरीके से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर बोला गया है कि सभी जो डिफरेंट सेपरेट मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग डेटा अपना मेंटेन करती हैं, अलग अलग डेटा और बनाती हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स, उन डेटा को एक साथ रखा जाए, जिससे कि हम लोग एक बेटर जो है वो पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर सकें, बेटर फ्रेमवर्क जो है वो तैयार कर सकें, राइट, जिस सभी डेटा को मर्ज करके सभी डेटा को एनालाइज करते हुए। तो बताया गया है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही हम लोग के पास पूरा डेटाबेस जो है वो होना चाहिए और जिसके थ्रू बेटर पॉलिसीज प्रोग्राम जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकें, बना सकें। और यहाँ पर बोला भी गया है कि प्राइवेट सेक्टर्स को भी जो है वो एक्सेस दिया जाए डेटाबेस को रखने का, और बिल्कुल उसके लिए कुछ फीस जो है वो चार्ज करी जाए और स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज किया जाए जिसके थ्रू डेटाबेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाए, बिकॉज जिससे कि प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो सके वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, राइट, क्योंकि होता क्या है हमारे यहाँ वेरियस जो मिनिस्ट्रीज हैं वो अलग अलग डिफरेंट डेटा जो है वो बनाती हैं, हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, उनके पास एक अलग अपना डेटा होता है, सर्वे अलग करती हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात करें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें, तो वेरियस अलग अलग डेटाज जो है वो तैयार होते हैं, मेंटेन होते हैं अलग अलग जगह, राइट। अब इसमें क्या होता है कि प्रपोजल रखा गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि अगर एक ही सिंगल डेटाबेस होगा तो उससे क्या होगा कि हम लोग वेरियस चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। जैसे आप सपोज करो, अगर हम लोग बात करें, चलो यूपीएससी एग्जाम की ही अगर बात करते हैं, तो करंट अफेयर्स का अगर आप डेटा अपने पास एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखोगे तो क्या होगा गाइस कि करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं कि आज जो है वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो आप उस पेज में बिल इंट्रोड्यूस लिख देंगे, फिर आप एक महीने के बाद आप देखोगे कि वो बिल जो है वो राज्यसभा चला गया, उसमें फिर कुछ अमेंडमेंट्स करने की बात की गई, प्रपोजल रखे गए, फिर आप देखोगे कुछ समय के बाद कि वो बिल जो है वो कानून बन गया, एक्ट बन गया। तो आप इन ये तीनों डेटा को अगर अपने पास एक ही जगह पर नहीं रखोगे, अलग अलग जगह पर अलग अलग महीनों पर ये डेटा रहेगा, तो आपको अपने कंसेप्ट्स क्लियरिटी जो है वो बेहतर तरीके से किसी टॉपिक के बारे में क्लियर नहीं होगी, राइट। तो इसीलिए ये प्रपोजल रखा गया कि एक सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन होना चाहिए जहाँ पर पूरा डेटा जो है वो एक ही जगह पर होना चाहिए, जिससे कि बेटर एनालाइज किया जा सके चीज़ों को, जिससे कि अच्छी सर्विसेज, अच्छे स्कीम्स, अच्छी पॉलिसीज, प्रोग्राम जो है वो बनाई जा सकें सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। तो ये है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव और ये चीज़ आपको समझने वाली है। एंड द डेटा सेट टॉक अबाउट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा सच एज बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स, पेंशन, टैक्स रिकॉर्ड्स, मैरिज रिकॉर्ड्स, सर्वे डेटा सच एज सेंसस डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा सच एज ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट डेटा, यूपीआई डेटा, इंस्टीट्यूशनल डेटा, पब्लिक हॉस्पिटल डेटा ऑन पेशेंट्स। तो ये सभी डेटा जो है वो एक ही जगह रखने चाहिए, क्योंकि देखो इसमें पूरी वेलफेयर की बात की जा रही है, सिटीजन्स के बारे में मैक्सिमम चीज़ें की बात की जा रही है, हेल्थ केयर भी यहाँ पर इंक्लूडेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, मैरिज रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल रहा है, पेंशन रिकॉर्ड्स भी देखने को मिल रहा है। पेंशन रिकॉर्ड्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आने वाले समय में जो एल्डरली पॉपुलेशन जो हमारी है, ओल्ड एज वाले जो पीपल जो है पॉपुलेशन, वो बढ़ने वाली है एकदम से 2027 के बाद से हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। 2030 तक जो है बताया जा रहा है कि लगभग 27-29% पॉपुलेशन हमारी जो होगी वो ओल्ड एज पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलेगी, तो दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न। तो यही बताया जा रहा है कि अगर सभी डेटा रिकॉर्ड्स को अगर हम लोग एक ही जगह पर रखेंगे तो बेटर स्कीम्स पॉलिसीज जो है वो बना पाएंगे। तो गवर्नमेंट है, इसका सिग्निफिकेंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑलरेडी हैज़ अ रिच रिपोजिटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे, इंस्टीट्यूशनल एंड ट्रांजेक्शन डेटा अबाउट सिटीजन्स, बट दीज डेटाज वर स्कैटर्ड अक्रॉस न्यूमरस गवर्नमेंट बॉडीज। तो गवर्नमेंट के पास हर एक चीज़ का डेटा आज की डेट में मौजूद है, सर्वेज हर एक चीज़ के हो रहे हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर के हो रहे हैं, वेरियस चीज़ों के सर्वेज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, बट ये सभी सर्वेज जो है वो स्कैटर्ड हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ये पूरा डेटा जो है वो स्कैटर्ड है डिफरेंट न्यूमरस गवर्नमेंट बॉडीज के पास है, और अगर इसको मर्ज कर दिया जाएगा तो एक बेहतर बेनिफिट जो है वो इसका हम लोग उठा पाएंगे, बेहतर मुझे मैंने आपको बताया पॉलिसीज बना पाएंगे। तो ये वाली बात जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। तो दिस इज़ द ओवरऑल टॉपिक गाइस अबाउट सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं स्पेशली इन मेंस। गाइस अब बात करेंगे जनरल स्टडीज़ के इस टॉपिक के बारे में, जो कि है प्रिविलेज मोशन, यानी कि विशेष अधिकार। तो गाइस देखो, ये प्रिविलेज मोशन जो है वो पहले भी सिविल सर्विसेज के द्वारा पूछा गया है, यूपीएससी और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में ये प्रिविलेज मोशन का ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो गाइज इसको बहुत इजी तरीके से हम लोग समझते हैं। तो गाइज देखिए, बात की जा रही है प्रिविलेज मोशन यानी कि विशेष अधिकार के बारे में। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, एमएलए एमपी, तो इनके पास गाइज कुछ राइट्स और कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं जो कि वो कलेक्टिवली या फिर इंडिविजुअली इंजॉय कर सकते हैं। इनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, इनको कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं जिसका ये इंजॉय करते हैं, जिनमें से कई सारे राइट्स होते हैं। जैसे कि एक चीज़ आपको बता होनी चाहिए कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसके खिलाफ
जो सिविल केस का मामला जो है गाइस वो दर्ज नहीं हो सकता सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले से लेकर सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन बाद तक. कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो या फिर एमएलए है उनके पास ये जो है वो सिविल केस से रिलेटेड इम्यूनिटी होती है. और अगर क्रिमिनल केस होगा तो यस क्रिमिनल केसेस के मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है बट इन केस ऑफ सिविल मैटर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती सेशन स्टार्ट होने के 40 दिन पहले से लेकर 40 दिन बाद तक का. तो ये एक प्रिविलेज जो है वो इनको मिलता है. अब ये प्रिविलेज क्यों दिया जाता है, जिससे कि ये अपनी फंक्शंस जो है अपने ड्यूटीज़ जो है वो बेहतर तरीके से निभा पाएँ, राइट. और अगर कोई भी इंडिविजुअल इनके राइट्स और इम्यूनिटीज़ को हानि पहुँचाता है तो पार्लियामेंट के लॉ के तहत कार्रवाई की जा सकती है उस इंडिविजुअल के ऊपर, राइट. तो ये तो देखो एक सिविल मैटर से रिलेटेड इम्यूनिटी पहला पॉइंट मैंने आपको बताया. दूसरा पॉइंट हम लोग कि कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है गाइस वो अपनी स्पीच के दौरान यानी कि पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ बोलते हैं तो उस बोलने के दौरान वो जो भी स्टेटमेंट्स देंगे वो स्टेटमेंट्स के ऊपर बेस्ड उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती. तो इसकी भी ये एक इम्यूनिटी इनके पास रहती है. और गाइस इसके अलावा जो आपने देखा हुआ कई बार कि लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर हम लोग देखते हैं लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाते हैं, एकदम से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो लड़ने लगते हैं, कुर्सियां फेंकने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं. तो इस बेसिस में अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर वो किसी दूसरे इंडिविजुअल यानी कि दूसरे एमपी के खिलाफ अगर कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग करता है, डेरोगेटरी शब्दों का उपयोग करता है या ऐसी चीज़ों को बोलता है जो कि उस पर्टिकुलर सेकेंड एमपी के डिग्निटी के खिलाफ होगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है वो ऐसा प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो लागू कर सकते हैं, राइट. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है. तो ये वाली बात हम लोग को देखने को मिल रही है, एक ये है. और दूसरी चौथी चीज़ जैसे कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन है, बाहरी का कोई पर्सन है, वो अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ अगर कुछ बोलता है, स्पीच देता है, रिपोर्टिंग करता है, जैसे कि न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें तो एक न्यूज़ रिपोर्टर अगर कोई किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ कोई रिपोर्टिंग करता है तो उसमें भी अगर उसकी रिपोर्टिंग के दौरान कोई ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हों जो कि डेरोगेटरी हों किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बेसिस के ऊपर अगर बात करें या फिर उसकी डिग्निटी के खिलाफ हों, तब भी ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो लागू किया जाता है. और इसकी हानि करने पर जो भी इंडिविजुअल इसको वॉयलेट करता है, इनके प्रिविलेजेस को, इनके राइट्स को, इम्यूनिटीज को, तो उस इंडिविजुअल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जैसे कि मैं आपको अभी के केस की बात करूं कि न्यूज़ में हम लोग क्यों देख रहे हैं, तो तृणमूल के एक एमपी हैं गाइस महुआ मोइत्रा जी, इन्होंने जी न्यूज़ और उनके इस रिपोर्टर जो है गाइस उसके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो लोकसभा में मूव करवाया है. और ये मूव इसलिए करवाया है क्योंकि इनके इस एडिटर ने, रिपोर्टर ने जो है गाइस अपनी रिपोर्टिंग के दौरान महुआ मोइत्रा जी की स्पीच को बोला गया कि इनकी जो पहली स्पीच थी पार्लियामेंट में वो कॉपी की गई स्पीच थी, यानी कि किसी 100% फैक्ट या फिगर्स के बिहाफ में इन्होंने नहीं बोला, बल्कि जनरल इन्होंने बोल दिया कि इनकी स्पीच कॉपी की गई थी जो कि इन्होंने पर्सनली ले लिया इस चीज़ को, और इस रिपोर्टर के खिलाफ जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है वो मूव करवाया लोकसभा में. इससे पहले भी बात करें तो आपको पता होना चाहिए एक और रिकॉर्ड के बारे में, क्योंकि ये तो अभी हुआ है एट प्रेजेंट. इससे प्रीवियसली भी अगर हम लोग बात करें तो कर्नाटका की स्टेट लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उन्होंने 2017 में दो रिपोर्टर्स थे, बेसिकली दो रिपोर्टर्स को एक साल की सज़ा सुनाई थी और 15,000 रुपये का फाइन जो है वो भरने को बोला था. एक साल की जेल और 15,000 रुपये फाइन जो है वो भरने को बोला था, क्योंकि वही सेम चीज़ हुई थी कि रिपोर्टर्स ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ थे, उनकी डिग्निटी के खिलाफ थे, राइट. तो ये वाली चीज़ आप बिल्कुल समझो कि कई सारे राइट्स और प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़ होती हैं एमपीज़ और एमएलएज के पास जो कि वो इन्जॉय करते हैं और जिनके खिलाफ मतलब अगर उनका वॉयलेशन होता है उनके प्रिविलेजेस का, तो जो भी उनके प्रिविलेजेस को वॉयलेट करता है, चाहे वो सदन का हिस्सा हो यानी कि असेंबली का हिस्सा हो, पार्लियामेंट का हिस्सा हो, या फिर वो उसके बाहर का भी हो, प्राइवेट कोई पर्सन हो, तो भी कार्रवाई की जा सकती है, राइट. और ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का जो कंसेप्ट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग को देखने को मिलता है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. तो दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है. दोस्तों इसको कौन मूव करवा सकता है और कैसे, तो इसका पूरा प्रोसीजर हम लोग समझते हैं. तो देखो गाइस इसमें होता क्या है कि एक नोटिस जो है वो मूव करवाया जाता है पार्लियामेंट में, और ये नोटिस जो होता है वो मोशन के फॉर्मेट में होता है, राइट. जैसे कि अभी हमने देखा अभी इस केस में एमपी तृणमूल एमपी जो है उन्होंने जी टीवी के खिलाफ और उनके रिपोर्टर के खिलाफ एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस मोशन जो है वो मूव करवाया, तो पहले ये नोटिस के द्वारा मूव करवाते हैं.
और ये किसी भी पर्टिकुलर मेंबर के खिलाफ कर सकते हैं, किसी भी मेंबर या इवन प्राइवेट पर्सन के खिलाफ भी ये मोशन जो है वो जारी किया जा सकता है, राइट। और हर एक हाउस जो होती है गाइज उनके पास पनिश करने का राइट होता है, और इसमें किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को हाउस जो पार्लियामेंट जो है इधर लोकसभा या राज्यसभा तो वो पनिश कर सकती है, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पनिश कर सकती है किसी भी मेंबर को। इसमें जो पार्लियामेंट जो है गाइज वो एज अ कोर्ट इंडियन जुडिशरी का रोल प्ले करती है, राइट, जजमेंट देने का। तो देखो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखना, आप एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है कि पार्लियामेंट किन मामलों में किन मैटर्स में कोर्ट जुडिशरी का रोल प्ले करती है, जजमेंट देने का रोल प्ले करती है, तो ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के मामले में जो है वो करती है ये पार्लियामेंट। इसमें क्या होता है, प्रॉपर पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाती है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है प्रॉपर तरीके से, और फिर जो गुनहगार जो होते हैं उनको सज़ा सुनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको कर्नाटक के केस में बताया था कि 1 साल की सज़ा और 15,000 रुपये का फाइन, ये पार्लियामेंट के द्वारा ही, पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा ही ऑर्डर पास किया गया था। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो पहले स्टेप में हमने देखा कि एक नोटिस जारी किया जाता है, राइट। और ये सब रूल्स जो होते हैं प्रिविलेज के वो कहाँ पर है मेंशन है, तो ये लोकसभा की जो रूल बुक है उसके रूल नंबर 222 जो चैप्टर 20 के अंदर है वहाँ पर मेंशन है। ये सब इतना डिटेल में याद मत रखना, बट आप बस इन जनरल याद रखिएगा, लोकसभा की रूल बुक है, राज्यसभा की रूल बुक जो है उसके अंडर जो है ये प्रिविलेजेस मोशन कैसे इसकी प्रोसेस होगी वो मेंशन है। एंड इट सेज अ मेंबर में विद द कंसेंट ऑफ स्पीकर और द चेयरमैन रेज अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ईदर ऑफ अ मेंबर ऑफ मेंबर और ऑफ द हाउस और अ कमिटी देयर ऑफ द रूल्स हाउएवर मैंडेटेड दैट एनी नोटिस शुड बी रिलेटिंग टू एन इंसिडेंट ऑफ रीसेंट अकरेंस एंड शुड नीड द इंटरवेंशन ऑफ द हाउस। नोटिस हैव टू बी गिवन बिफोर 10 AM टू द स्पीकर और द चेयरमैन। तो देखो इसमें क्या होगा, एक रूल तो हमने देख लिया कि नोटिस बनाया जाएगा, और नोटिस कब दिया जा सकता है, ये स्पीकर या फिर चेयरमैन को सुबह 10 बजे से पहले दिया जा सकता है, राइट। और ये रीसेंट मैटर पर ही होगा, रीसेंट इवेंट के बेसिस पर ही होगा, ऐसा नहीं कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो आ गया उसने बोला कि आपने मुझे 3 साल पहले ऐसा बोला था, आपने मुझे 4 साल पहले ऐसा बोला, नहीं, करंट इवेंट के ऊपर ही बेस्ड होगा। यानी कि कल की रेट पे, आज की रेट पे अगर 2-3 दिन के मतलब 2-3 दिन के आसपास अगर किसी मेंबर के खिलाफ ऐसा कुछ बोला गया है तो वो मेंबर जो है वो करंट इवेंट के ऊपर बेस्ड ही प्रिविलेज मोशन जो है वो उसका नोटिस जारी कर सकता है, मूव करवा सकता है, और ये फिर अपना मोशन जो है नोटिस जो है वो स्पीकर या फिर चेयरमैन को दे सकते हैं सुबह 10 बजे से पहले, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है, और रूल बुक जो है राज्यसभा और लोकसभा की उसमें मेंशन है। तो अब स्पीकर को दे दिया या फिर चेयरमैन को दे दिया, फिर क्या होगा, तो स्पीकर और चेयरमैन जो होंगे वो फर्स्ट लेवल पर इसकी कार्रवाई करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, स्क्रूटनी करेंगे कि क्या ये प्रिविलेज मोशन जो है वो वाकई में एट प्रेजेंट इवेंट का है कि नहीं है, तो वो पार्लियामेंट में पहले डिस्कस करेंगे, राइट। और स्पीकर और चेयरमैन कैन डिसाइड ऑन द प्रिविलेज मोशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ और रेफर इट टू द प्रिविलेज कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो स्पीकर के पास पावर होती है इवन डिसाइड करने की भी कि आप वाकई में जो इंडिविजुअल सामने वाला है वो दोषी है कि नहीं है, और अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक प्रिविलेज कमेटी को मैटर जो है, मामला जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके लिए बकायदा एक प्रिविलेज कमेटी जो है वो बनाई गई है पूरी कार्रवाई को सुनने के लिए। जैसे कि कोर्ट के अंदर होता है ना, कोर्ट के अंदर क्या होता है कि जो जज बैठे रहते हैं वो दोनों पक्षों की बात जो है वो सुनते हैं, वैसे ही ये प्रिविलेज कमेटी जो है वो दोनों पक्षों की बात सुनती है, जिसने नोटिस जारी किया प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जिसने मूव करवाया, और जो गुनहगार है जिसके खिलाफ जो है ये कार्रवाई की जा रही है। तो दोनों को आपस में खड़ा किया जाता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, बातचीत होती है, चेक किया जाता है, फिर उसके बाद ही जो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये किसी को सज़ा सुनाई जाती है। और ये पार्लियामेंट के अंदर ही सज़ा सुनाई जाती है, ये भी मैटर ऑफ कंसर्न है, ये पार्लियामेंट ही सज़ा सुनाती है, और यानी कि स्पीकर जो है वो फाइनली फिर डिलीवर करते हैं कि हाँ ये दोषी हैं और इनको इस प्रकार की सज़ा जो है वो सुनाई जाएगी, राइट। और इफ़ द स्पीकर एंड चेयरपर्सन गिव्स कंसेंट अंडर रूल 222 द मेंबर कंसर्न्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ शॉर्ट स्टेटमेंट। अब इसमें देखो नॉर्मल जो मैंने आपको बताया था जो पूरी कार्रवाई होती है, इसमें जो मेंबर जो होते हैं जिनके खिलाफ जो मोशन जो है वो जारी किया जाता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, तो वो फिर वहाँ पर आकर सुनवाई करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं सामने आकर, शॉर्ट स्टेटमेंट में बताते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों बोला। और अगर ये स्पीकर या फिर ये जो प्रिविलेज कमेटी जो है अगर वो मान गई तो ये रद्द कर दिया जाता है, और नहीं मानी तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सज़ा सुनाई जाती है। और इन लोकसभा के अंदर स्पीकर जो होते हैं वो प्रिविलेज कमेटी को नॉमिनेट करते हैं,
और जिसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, तो ये मेंबर याद रखना कि जो प्रिविलेज कमेटी जो है उसमें लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में हम लोग देखते हैं जो कमेटी बनाई जाती है प्रिविलेज उसके 10 मेंबर हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो राज्यसभा की साइड से 10 मेंबर, लोकसभा की साइड से 15 मेंबर, राइट। फिर ये पूरा डिस्कशन वगैरह होता है, हम लोग को देखने को मिलता है। एंड स्पीकर जो होते हैं वो आधे घंटे की डिबेट भी जो है वो परमिट कर सकते हैं, कि आधे घंटे तक जो है वो इसके ऊपर विचार होगा, इसकी रिपोर्ट के ऊपर, क्योंकि जैसे ही कमेटी जो होती है वो फिर अपनी रिपोर्ट देती है, किसको रिपोर्ट देती है, स्पीकर को रिपोर्ट देती है। फिर स्पीकर बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर चलो इस रिपोर्ट के ऊपर हम लोग आधे घंटे का डिस्कशन करते हैं। फिर उसके बाद स्पीकर जो होते हैं फिर वो फाइनल ऑर्डर जो है वो पास करते हैं कि क्या किया जाए, यानी कि मतलब हाउस के सामने रखते समय कि क्या किया जाए, किसको जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी, तो ये वाली बात हम लोग को देखनी होती है। तो फाइनल जो सज़ा सुनाया जाता है वो स्पीकर के द्वारा सुनाया जाता है, ये चीज़ आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इस प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड। आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे। दोस्तों अब न्यूज़ में बात की जा रही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। तो क्या होता है गाइस ये, तो ये प्राइस जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है, कि गवर्नमेंट कुछ मिनिमम प्राइस जो है वो सेट करती है फार्मर्स के लिए, कि कम से कम इतने रेट में फार्मर्स जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है उसको सेल करेंगे, राइट। कम से कम इतने रेट में, इससे कम में तो वो जो है वो सेल नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा में ही वो जो है वो सेल करेंगे। तो ये मिनिमम अश्योर्ड प्राइस जो है वो सेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी जो है वो हो सके, यानी कि इससे कम में तो उसका सामान ना बिके, वो अपना जीवन जो है उसके बेसिक नीड्स जो है वो एटलीस्ट फुलफिल कर पाए। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है। बट इन केस ऑफ मार्केट क्रैश, अगर मार्केट क्रैश हो जाता है, प्राइस वोलेटिलिटी हम लोग को देखने को मिलती है, प्राइस में फॉल आ जाता है, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट की जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस में फार्मर से जो है वो उसके जो ग्रेन्स वगैरह जो है वो परचेस कर लेती है, उसके प्रोड्यूस को परचेस कर लेती है, जिससे कि फार्मर जो है उसको इनसिक्योरिटी ना हो इनकम को लेकर, राइट। तो इस प्रकार से फार्मर को सपोर्ट किया जाता है। और यूनियन कैबिनेट ने अभी 14 खारिफ क्रॉप्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस किया है, दैट्स वाई हम लोग इस टॉपिक को न्यूज़ में देख रहे हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन अनाउंस करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करते हैं वेरियस क्रॉप्स के, और ये सोइंग सीजन के बिगिनिंग में अनाउंस करते हैं, और इनको रिकमेंडेशन दी जाती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के द्वारा। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन जो है वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंडेशन देता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस इनको रिकमेंडेशन देती हैं कि कितने पैसों में मतलब क्या सेट करना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो ये रिकमेंडेशन देते हैं। अब किस बेसिस पर रिकमेंडेशन देते हैं ये, तो डिमांड एंड सप्लाई जो है उसको चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, प्रोडक्शन की कॉस्ट को एनालाइज करते हैं, प्राइस ट्रेंड्स को एनालाइज किया जाता है, पूरी चीज़ों को देखा जाता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं मार्केट में शॉर्टफॉल तो नहीं आने वाला एकदम से, मार्केट के अंदर मार्केट क्रैश तो नहीं होने वाला है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, तो सब वेरियस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और उसके बाद फिर ये रिकमेंड करते हैं, यानी कि मेजर अथॉरिटी जो होती है पूरी एनालिसिस करने की वो होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कि पूरा एनालाइज करती है और उसके बाद फिर रिकमेंडेशन देती है कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को। तो याद रखना कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये प्रायर बेसिस पर, इनिशियल बेसिस पर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती, किसी भी प्रकार की एनालिसिस नहीं करती। तो मेन जो सोल अथॉरिटी जो होती है पूरी चीज़ों को डिसाइड करने वाली वो होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, और अनाउंस किया जाता है इस पर्टिकुलर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि एग्जामिनेशन में आ जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो गाइस मैंने आपको बताया ये कि कई बार क्या होता है जब फार्मर्स जो होते हैं किसी कलामिटी के चलते या फिर उनकी फसलें जो है वो अच्छे से उग नहीं पाती, मतलब यानी कि मानसून खराब हो जाता है या फिर बहुत वेरियस चीज़ें होती हैं जिसके कारण से उनको भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है, राइट। तो उस कंडीशन में फार्मर्स को एटलीस्ट मिनिमम प्राइस जो है वो मिल सके उनकी कमोडिटी का, उनके बेसिकली प्रोड्यूस का, तो इसीलिए ये हेल्प करता है बेसिकली मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर्स को। एंड MSPs हैव आल्सो बीन यूज्ड एज अ टूल बाय द गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज फार्मर टू ग्रो क्रॉप्स दैट आर इन शॉर्ट सप्लाई। तो इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि ये पूरा एनालिसिस जब होता है तो उसमें देखा जाता है कि अच्छा वीट जो है, गेहूं जो है, उसकी फसलें बहुत ज़्यादा हैं, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है पर राइस का प्रोडक्शन नहीं है, तो यहाँ पर फार्मर्स को बोला जाता है कि मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है राइस की जो है वो बढ़ा दी जाती है, ज़्यादा की जाती है, जिससे कि फार्मर अट्रैक्ट होते हैं
कि अच्छा एमएसपी जो है वो राइस की ज़्यादा है तो चलो इस बार जो है वो राइस की खेती करो. तो इस प्रकार से इंसेंटिवाइज भी किया जाता है फार्मर्स को, मतलब ज़्यादा एमएसपी जो है वो बढ़ाकर बताई जाती है, क्योंकि जिससे कि फार्मर जो है वो जो शॉर्ट सप्लाई वाले जो क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं उनको उगाएं अपनी फील्ड में. तो इस प्रकार से भी फार्मर्स को जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाते हैं, राइट. और साथ ही साथ एनालाइज करते हुए बैलेंस अप्रोच जो है वो रखी जाती है कि प्रोडक्शन की, कि क्रॉप प्रोडक्शन जो होना चाहिए वो बैलेंस तरीके से होना चाहिए. समझ रहे आप बात को? तो ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पूरा रोल, और 14 खरीफ क्रॉप्स का हुआ था. अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि अभी कभी नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा वीडियो को पॉज करके, कि राबी और खरीफ क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है. एटलीस्ट 3 डिफरेंस बताइएगा, इंक्लूडिंग राबी क्रॉप्स जो हैं और खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो कौन से हैं, उनके नाम्स भी बताइए, नाम भी बताइएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कब कब उगते हैं, सोइंग पीरियड क्या है उनका, हार्वेस्टिंग पीरियड क्या है, तो ये पूरी चीज़ आप लिखकर बताइए नीचे. ये पहले भी पूछी जा चुकी है ऐसा क्वेश्चन, और काफ़ी इजी है, बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाती हैं सब चीज़ें. अब इस न्यूज़ की बात करें तो बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की जो ज़मीन है, कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के शेयर्स वगैरह जो है वो डिसइन्वेस्ट करने वाली हैं, उनको सेल आउट करने वाली हैं. ये वाली बात बताई जा रही है अपने नॉन टैक्स रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए, ऐसा कहा है चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने, कि गवर्नमेंट जो है वो सेल कर सकती हैं अपनी लैंड को, पीएसयू की ज़मीन को, पीएसयू की यानी कि पीएसयू वगैरह को सेल आउट कर सकती हैं, डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकती हैं. तो बताया जा रहा है क्योंकि बोल रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि डिसइन्वेस्टमेंट से काफ़ी ज़्यादा रिटर्न जो है वो गवर्नमेंट को मिल सकेगा, जिसके चलते ये अपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ को बूस्ट कर सकेंगे. तो बेसिकली बताया जा रहा है कि इनकम को रेज करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट का एडवाइस जो है वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा दिया गया है. और बताया जा रहा है कि जिस पर्टिकुलर PSUs में गवर्नमेंट का शेयर जो है वो 50% हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो बताया जा रहा है कि उसको कम किया जाए, 50% से जो है वो कम लाया जाए, और अपने शेयर्स को जो है वो रिड्यूस करते हुए अपने PSUs जो हैं उनको सेल आउट किया जाए, कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल हो सके इकोनॉमिकली. बिकॉज अभी एट प्रेजेंट हम लोग देख रहे हैं कि स्लो डाउन हम लोग को एट प्रेजेंट देखने को मिल रहा है, राइट. तो उसको बेसिकली बियर करने के लिए और इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का रिकमेंडेशन जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट. तो ये वाली चीज़ थोड़ी बहुत आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से गवर्नमेंट जो है वो अपने रेवेन्यू को जो है वो जनरेट करती है. तो इस प्रकार से अपने स्टेक्स वगैरह जो होते हैं, शेयर्स वगैरह जो होते हैं, PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वगैरह जो होती हैं कई सारी, जिसको बेच कर सेल आउट करके ये ऐसे अपने नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो होते हैं उनको जनरेट कर लेते हैं. क्या होता है गाइस नॉन टैक्स रेवेन्यू? तो वही रेवेन्यू जो कि गवर्नमेंट जनरेट करती है अपने पास, जैसे एक टैक्सेबल रेवेन्यू होता है, जैसे पब्लिक जो होती है, पब्लिक मनी जो होता है वो एज अ टैक्स जब गवर्नमेंट के पास जाता है तो गवर्नमेंट की वो इनकम होती है, राइट. वैसे ही जो दूसरी चीज़ें होती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के थ्रू, जो प्रोडक्शंस वगैरह जो होते हैं, जो काम वगैरह चलता है, तो उसमें जो गवर्नमेंट जो है वो कमाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, वो होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, राइट. तो ये वाली चीज़ ध्यान में रखना. तो ये है गाइस, बताया जा रहा है कि अभी बेटर अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू अच्छा खासा पैसा जो है वो मिल सकेगा गवर्नमेंट को ये अपने डिसइन्वेस्टमेंट करके, राइट. दोस्तों ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रहा है, ध्यान देना. देखो हम लोग बहुत दिनों से बात करते आ रहे हैं कि इंडिया का टारगेट है कि इंडिया को 2024 तक अपनी इकोनॉमी को $5 trillion में ट्रांसफॉर्म करना है. तो इंडिया का ये टारगेट है, राइट. तो और अभी जो इकोनॉमिक सर्वे 2019 अभी पब्लिश हुआ है उसमें इस सर्वे में ब्लूप्रिंट यानी कि पूरा प्रॉपर प्लान जो है वो बताया गया है कि इंडिया क्या करेगी जिसके थ्रू ये $5 trillion की इकोनॉमी अचीव कर लेगी. तो इसको बहुत अच्छे से समझते हैं हम लोग और इसको बिल्कुल मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आप लोग को पूरी चीज़ समझाऊंगा, जिससे कि क्या होगा कि आप लोग को चीज़ें पता रहे कि आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है, याद रखना है और क्या आपको स्किप करना है. द रीज़न बींग इज गाइस, कई सारे लोग जो होते हैं वो कई सारी ऐसी फालतू चीज़ों को याद करने में लग जाते हैं, फैक्ट्स फिगर्स और ये सब चीज़ें जिनका कोई मतलब नहीं होता है, राइट. तो मेन फोकस हम लोग को क्या रखना है कि इकोनॉमिक सर्वे 2019 में ऐसा क्या बताया गया है जिसके थ्रू इंडिया अपनी इकोनॉमी को 2024 तक अगले 5 सालों में $5 trillion की बना लेगा और अपने टारगेट को अचीव कर लेगा. तो बिल्कुल बुलेट तरीके से बताऊंगा, ब्रॉड पॉइंट्स में बताऊंगा जो कि आप लोग को ध्यान में रहे मेंस एग्जामिनेशन तक, और सेकेंडली आप लोग के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है. तो देखो गाइस यहाँ पर फोकस रखा है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट के ऊपर. तो ये तीन कैटेगरी को ध्यान में रखिएगा, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट. तो ये तीन चीज़ें हैं जिसको अगर इंडिया ने ध्यान दे दिया इन तीन चीज़ों पर तो इंडिया अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म कर पाएगा $5 trillion का जो उसका टारगेट है उस पर, राइट. और इकोनॉमिक सर्वे ने टारगेट या फिर बोलो एस्टिमेशन रखा है, फोरकास्ट किया है कि इंडिया की GDP 2019-20 में 7% होगी और
पिछले साल के मुकाबले 2018-19 के मुकाबले बहुत ही थोड़ा सा ही इन्होंने इंक्रीमेंट जो है वो बताया, यानी कि पिछले साल हमारी जीडीपी 6.8% की दर पर देखने को मिली और बताया जा रहा है कि अगले साल 19-20 की अगर बात करें इसी साल की तो 7% का रेट हम लोग को इस बार का जीडीपी का देखने को मिलेगा, यानी कि मात्र 0.2% हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ जो है वो यहाँ पर हुई है मात्र 0.2% की, राइट। अब आप समझो मेरी बात को कि पहले ये समझते हैं कि देखो आपने लास्ट ईयर में अगर थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा और वेरियस ऐसे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एस्टीमेशन लगाया गया था कि 2018-19 में इंडिया की जीडीपी 7% प्लस जो है वो होने वाली है, तो किसी ने 7.4% बताया, 7.5% बताया, तो ऐसे हम लोग को वेरियस फिगर्स देखने को मिले थे ना, ऑल ओवर 7% के ऊपर के फिगर एस्टीमेशन हम लोग को देखने को मिले थे। तो ऐसा क्या हुआ कि इंडिया की जीडीपी जो है वो 7% का ऊपर स्लैब जो है वो अचीव नहीं कर पाई, तो इस पे चार चीज़ें हैं, चार चीज़ों के कारण इंडिया अचीव नहीं कर पाई, याद रखना आप। एक है इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूसरा है ट्रेड वॉर्स जो हम लोग को इंटरनेशनल लेवल पर देखने को मिला था, तो इंटरनेशनल ग्लोबल टेंशंस की वजह से जो हम लोग को देखने को मिली थी, चाइना, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज, तो इनके बीच में जो टेंशन क्रिएट हो गई थी कस्टम ड्यूटीज को लेकर, ट्रेड को लेकर, उसके चलते हम लोग को देखने को मिला कि ग्लोबल लेवल पर जो फ्लक्चुएशन हुआ प्राइस का, तो उसके चलते इंडिया की इकोनॉमी पर भी इम्पैक्ट पड़ा। तीसरा मेजर कारण जो है, जो कि जीएसटी भी बताया जाता है कि जीएसटी जो अभी हम लोगों ने टैक्स चेंज किया है, तो उस पर्टिकुलर उसके कारण भी बहुत इफेक्ट पड़ा है इंडिया की इकोनॉमी को। डीमोनेटाइजेशन की कहानी तो पुरानी हो गई, अब डीमोनेटाइजेशन को नहीं रखेंगे, बट थोड़ा बहुत इफेक्ट डीमोनेटाइजेशन के कारण भी यहाँ पर देखने को मिला है, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं थोड़ा बहुत, मतलब मिनिमल लेवल पर। और चौथा जो मेजर पॉइंट है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसके चलते इंडिया की इकोनॉमी पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ा। तो ये फोर इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट्स जो है वो आप याद रखना कि क्यों इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन पे आई है, क्यों इतना कम एस्टिमेशन से कम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिला है। समझ में आई पूरी बात? अब जान लेते हैं कि कैसे इंडिया जो है वो अचीव करेगा अपनी $5 trillion की इकोनॉमी को। तो ये तीन पॉइंट तो आप लोग को याद रखिएगा, सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स की बात करें और एक्सपोर्ट्स की बात करें, दीज आर द थ्री ब्रॉड पॉइंट्स जिस पर इंडिया अगर काम करेगा तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो $5 trillion की टच कर लेगा। तो इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया है, प्रोडक्टिव ग्रोथ पर फोकस किया है, जॉब क्रिएशन एम्प्लॉयमेंट पर फोकस किया है, डिमांड एंड एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया है। तो मेजर फोकस इन चीज़ों पर हम लोग को देखने को मिला है। और यहाँ पर यही बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट जो है कई वो अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करती है, पीपीपी मॉडल के ऊपर काम करती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर काम करती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट के मामले में, जॉब क्रिएशन के मामले में, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के मामले में, कि नई टेक्नोलॉजी जो है वो अडॉप्ट हो सकेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब अगर इंटरेस्ट लेगा और गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का कोलैबोरेशन हम लोग को देखने को मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। बट उसके लिए गवर्नमेंट जो है गाइज उसको अपनी पॉलिसीज़ वगैरह जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी, लीगल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, पॉलिसी के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे, और इनवाइट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर्स को, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम लोग जो है वो अभी काम कर ही रहे हैं, कई सारे रेस्ट्रिक्शंस जो लगते थे डॉक्यूमेंटेशन के मामले में एंड वेरियस चीज़ों के मामले में, जिसके कारण से प्राइवेट सेक्टर जो है गाइज उसमें उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या एक्स वाई जी कोई भी प्रोसीजर के थ्रू। तो कई सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी और मेजर फोकस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पर रखना पड़ेगा। तो इस पर भी मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है उस पर उसका क्या इफेक्ट है और उसको क्यों हम लोग को बढ़ावा देना है, क्यों ग्रोथ करवानी है, जिसके चलते हम लोग अपनी अचीव कर पाएंगे $5 trillion की इकोनॉमी जो टारगेट है। और इसके अलावा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की मैंने बात करी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना है, डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी ना सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन के बारे में, सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजन, जिसमें जो जितने भी डेटाज हैं कई पब्लिक गुड्स के या पुअर पीपल के लिए स्पेशली, सोशल सेक्टर के लिए स्पेशली, कि सभी डेटा को एक साथ मर्ज किया जाए और बेटर सर्विसेज जो है वो डिलीवर करवाई जा सके एक बेहतर पॉलिसी बनवाकर। तो इस पर हमने फोकस किया था कि मर्ज किया जाए वेरियस चीज़ों को, वेरियस डेटा को, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात करी थी। तो ये भी डेटा को लेकर भी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक मेजर हम लोग को इनका रिकमेंडेशंस जो है वह देखने को मिले। तो ये इन सब चीज़ों पे बात की गई है। और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर पर क्यों का फोकस करना है, तो ये डॉर फर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें मात्र 100 वर्कर से भी कम जो है वो काम करते हैं, बट ये जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो हमारी कंट्री में 50% से भी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलती हैं इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग में 50% से भी ज़्यादा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का रोल हम लोग को देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें गाइस
इसकी लार्ज फॉर्म्स वगैरह की, तो लार्ज फॉर्म में इनका जो नंबर्स की अगर बात करें तो 15% ही नंबर इनका हम लोग को लार्ज बड़ी बड़ी फॉर्म्स का देखने को मिलता है, और छोटी फॉर्म्स का नंबर बहुत ज़्यादा है, बट छोटी फॉर्म की बात करें तो छोटी फॉर्म जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट नहीं कर पाती है, 100 वर्कर से भी कम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है कर पाती है। बट अगर वही बड़ी फॉर्म की बात करें जिनके नंबर्स कम है बट 75% एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर पाती हैं और प्रोडक्टिविटी 90% की है हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। और वहीं अगर स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की प्रोडक्टिविटी की बात करें एंड रिजल्ट की बात करें तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा कम हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बोला गया है कि आज की रेट में ज़रूरत है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो बहुत ही उसको सही तरीके से बनाना, जिससे कि ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो लार्जर फर्म्स में कंट्रीब्यूट हो सकें। द रीज़न बीइंग इज कि इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, और इनके नंबर ज़्यादा हैं तो पोटेंशियल ये है कि ये ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट कर सकेंगे अगर इनको बढ़ा दिया जाए, राइट, इनको जो है वो इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो इस पर काम किया जाए। तो ये यहाँ पर बोला गया है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इनके नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं बट एम्प्लॉयमेंट रेट कम है। द रीज़न बीइंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेट लेस होने के वो ये है कि ये काफ़ी छोटी, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है उसको हम लोग को ग्रोथ करनी पड़ेगी, उसको बढ़ाना पड़ेगा, अभी एट प्रेजेंट ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। एम्प्लॉयमेंट करवाना है तो मैंने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको कई बार बताया है कि लेबर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, राइट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने के लिए, जो कि आज की रेट में जो है वो काम चल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तब जाकर हम लोग को देखने को मिलेगा कि जीडीपी पे भी हम लोग को इंक्रीमेंट जो है वो देखने को मिलेगा, तब जाकर ही हम लोग $5 trillion की इकोनॉमी जो है वो जनरेट कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको बातों को? तो ये था ओवरऑल पूरा टॉपिक इससे रिलेटेड, इसमें ये जो मेजर ब्रॉड चीज़ें हैं इस पर बस आप लोग को ध्यान देना है, और ये वाली चीज़ें ऐसे इस प्रकार से लिखनी है, और ज़्यादा इतना डिटेल में आवश्यकता जाने की जरूरत नहीं क्योंकि बहुत लिमिटेड वर्ड्स लिमिट होती है आपकी, 250 वर्ड्स आप मैक्सिमम तक जो है वो उपयोग कर सकते हैं, 150-250 वर्ड्स के आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने वर्ड्स जो है वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं, बिकॉज पूरा खेल जो होता है वो इसी का होता है कि आप लिमिटेड यानी कि लिमिटेड वर्ड की अगर हम लोग बात करें तो लिमिटेशन में आप अपना भरपूर तरीके से हर एक डायरेक्शन में आप अपना आंसर जो है वो मेंशन कर पाओ, तो इसलिए पॉइंट वाइज पॉइंट चीज़ों को याद रखने की फोकस कोशिश करो। गाइज अगेन इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम टॉपिक्स आज इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ही हैं, तो क्योंकि देखिए इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी और वेरियस स्टेट सिविल सर्विसेज में। तो देखो इसमें बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया अगर बेहतर पॉलिसीज का उपयोग करे तो इंडिया की कोई भी सिटी के पास जो है वो कैपेबिलिटी हो सकती है कि इंडिया जो है वो अपनी किसी भी सिटी को डेट्रॉइट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकती है। तो व्हाट इज़ डेट्रॉइट? डेट्रॉइट क्या होता है? क्या ये कोई टर्म है, किसी टर्म को बोला जाता है डेट्रॉइट ये? तो नहीं गाइस, डेट्रॉइट जो है वो एक सिटी का नाम है, यूएसए में एक सिटी है जिसका नाम है डेट्रॉइट, और इस पर्टिकुलर सिटी का निकनेम है मोटर सिटी। मोटर सिटी इसको बोला जाता है बिकॉज यूएसए की ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ऑटोमोबाइल की अगर हम लोग बात करें, गाड़ियाँ वगैरह बनाने की अगर बात करें, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे एडवांस सिटी जो है वो यूएसए की, वो डेट्रॉइट सिटी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज़ याद रखिएगा, डेट्रॉइट एक सिटी का नाम है ना कि कोई टर्म है। यहाँ पर कई सारे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, सर्च करने लगते हैं, अरे यार डेट्रॉइट क्या कोई टर्म है, किसी को बोला जाता है डेट्रॉइट? तो नहीं, दिस इज़ द नेम ऑफ अ सिटी। तो बोला जा रहा है कि इंडिया के पास कैपेबिलिटी है कि इंडिया अपनी किसी भी एक सिटी को डेट्रॉइट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकती है। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 के बारे में हम लोग बात करेंगे और फेम के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया हैज़ अ नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान 2020, ये जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में इस प्लान के बारे में कि 2020 यानी कि नेक्स्ट ईयर का इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक प्लान है जो कि है नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिस पर फोकस किया गया है कि इंडिया को करीब 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इंडिया के रोड पर लेकर आनी है, इंक्लूडिंग बसेस, टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि 2020 तक इंडिया टारगेट कर रही है कि 60 से 70 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतार दे। एंड 2015 में एक फेम नाम की स्कीम हम लोग को देखने को मिली थी, काफ़ी बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ प्रीवियस ट्यूटोरियल में, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका सेकेंड फेज जो है गाइज वो शुरू हो गया है April 1, 2019 से, और इस पर फोकस किया जा रहा है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि इंडिया जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दें। और ये जो फेम स्कीम जो है गाइज, इसके माध्यम से नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 जो है वो अचीव किया जा सकेगा,
क्योंकि फेम फोकस करती है जितने भी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, कि उनको जो है वो फोकस किया जाता है कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर इन्वॉल्व हो, उस पर काम करें, जिससे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिले और फ्यूचर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। बिकॉज आप सभी जानते हो कि क्रूड ऑयल जो हम लोग को देखने को मिलता है, जो तेल जो है जिसके माध्यम से हम लोग पेट्रोल और डीजल देखते हैं, तो पेट्रोल और डीजल बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया भर के वर्ल्ड रिजर्व की अगर बात करें तो मात्र 40 साल ही बचे हुए हैं। जिस गति में, जिस रेट में हम लोग आज की रेट में पेट्रोल डीजल को जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी रेट से अगर हम लोग अगले 40 साल तक कंज्यूम करें तो पूरी दुनिया भर में पेट्रोल डीजल पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली एंड हो जाएगा। और हम लोग देख ही रहे हैं कि पेट्रोल डीजल से होने वाले कितने नुकसान हैं, ये सब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे, जो उनके कंबशन से जो धुआं निकल रहा है, जो स्मोक निकल रही है, वो कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट को पल्यूट कर रही है, राइट? तो इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया या फिर फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड वी कैन से। और आर्टिकल में बताया जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन जो है वो बहुत ही कम गति से हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो बताया जा रहा है कि 2008 और 2017 के बीच में देखने को मिला है कि 2008 में करीब 2000 यूनिट्स ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिकी थी और 2017 में मात्र 10 लाख ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बिकी हैं। तो यानी कि इतने सालों के पीरियड में भी अगर बात करें, लगभग 10 सालों के पीरियड में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कम हुई है। और अगर परसेंटेज वाइज की बात करें तो चाइना में मात्र 2% ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो बिकी हैं पूरी दुनिया भर के मुकाबले। और नॉर्वे की बात करें तो नंबर वन पे जो है वो नॉर्वे हम लोग को देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। 39% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नॉर्वे में बिकी है। तो देखो, ब्रॉड लेवल पे यू शुड नो कि नॉर्वे इज़ द कंट्री जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करता है। और नॉर्वे की बात करें तो आप कहीं पर भी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे तो नॉर्वे आपको नंबर वन ही देखने को मिलेगा रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन के ऊपर, राइट? अगर कोई टॉपिक आता है तो नॉर्वे ये याद रख लेना इस प्रकार से। और इंडिया की बात करें हमारे, तो गाइज इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैव बीन द मेजर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हम लोग को टू व्हीलर्स देखने को मिले थे। मेरे ख्याल से एक यो बाइक करके बहुत पहले स्टार्टिंग में आई थी, जब आई थिंक सात साल पहले या पहली बार जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम सुना, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है याद है कि मैंने तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यो बाइक का नाम सुना था। उसको एक बार मैंने चलाया भी था, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं होती थी, ऐसा लगता था कि गाड़ी स्टार्ट है बंद है कुछ, क्योंकि उसमें आवाज़ नहीं आती थी। और अब देखो आप आज की रेट में BMW की क्या शानदार इलेक्ट्रिक व्हीकल आई है, मज़ा आ जाता है उस कार को देख के अलग ही। बट हाँ भाई, करोड़ में है वो कार तो क्या करें, अब महंगी भी होती है, बट देन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की रेट में बन रही है बहुत ज़्यादा नंबर में, राइट? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंडिया के मामले में टू व्हीलर्स का शेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में देखने को मिला है, जहाँ पर बताया गया है कि 2018 में 54,800 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू व्हीलर की कैटेगरी में बिकी है। बट ग्लोबल लेवल की बात करें तो इंडिया का मार्केट शेयर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में, इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में स्पेशली, वो मात्र 0.06% है, यानी कि 0.1% भी नहीं है, एज़ कम्पेयर टू चाइना जो कि 2% हम लोग को देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में। तो चाइना में इंडिया से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि फोकस किया जा रहा है फेम स्कीम जो हम लोग को देखने को मिल रही है। बट अगर हम लोग इस आंकड़ों को देखें तो फेम स्कीम कहीं ना कहीं से एज अ फेलियर हम लोग को देखने को मिल रही है ग्लोबल लेवल पर अगर कंपेयर किया जाए तो, एनालिसिस की जाए तो। समझ में आ रहा है आपको बातों को? तो इस प्रकार से आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं ये सब फिगर्स, फैक्ट्स वगैरह। देखो, इतना याद रखने की आवश्यकता नहीं, फैक्ट्स फिगर्स को ब्रॉड लेवल पर याद रखो, जैसे नॉर्वे याद रख लो। इंडिया के मामले में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक कार्स का जो शेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, नॉट इवन लाइक कंपेयर्ड विद चाइना ऑल्सो। अगर चाइना के साथ भी कंपेरिजन करें तो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि लो, 0.06%। और उत्तर प्रदेश, जिस पर्टिकुलर स्टेट कंपेयर करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर बात करें ऐसी स्टेट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स की, तो सबसे ज़्यादा हम लोग को 17-18 में उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिली हाईएस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स। यानी कि यहाँ के लोग बाग जो है गाइस वो एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क हैं। अगर कोई उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो दे कैन फील प्राउड कि उनकी स्टेट में पीपल आर मतलब कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, कि उनको कंसर्न है एनवायरनमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, राइट? तो अगर आप मेंस में उपयोग करोगे ये सब चीज़ों का स्पेसिफिकली, तो
आंसर गेन हो, ये वाला उपयोग अगर उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश के बारे में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये लाइन चिपका सकते हो अपने आंसर का अच्छा वेटेज बनाने के लिए, राइट. जैसे गवर्नमेंट का आता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार जो है वहाँ पर हम लोग को पॉपुलेशन भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बट देन टू वहाँ पे क्यों हम लोग को इतना कम जो है वो ग्रोथ देखने को मिल रही है. तो अब उसमें ठीक है, डीमेरिट्स तो आप उपयोग करो उसमें कि क्यों मतलब लो लेवल ऑफ ग्रोथ देखने को मिल रही है, बट अगर आप एक मेरिट चिपका दोगे इस प्रकार का कि पीपल आर अवेयर देयर, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक आंसर को आपका अच्छा वेटेज मिलेगा और करेंट से आप रिलेट कर रहे हो इस चीज़ों को. रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें इंडिया के मामले में, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखना है, रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रही है. इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हम लोग को देखने को मिलता है, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, ये इंडिया का ही बेसिकली एक इनिशिएटिव है. इंडिया ने ही सभी कंट्री को बोला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट करने की बात करी थी, और कि सोलर एनर्जी का उपयोग जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में भरपूर तरीके से किया जाए, तो वो इंडिया का ही जो है वो एक आइडिया था बेसिकली. तो ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना. और दूसरी बात, सोलर एनर्जी को लेकर इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सोलर एनर्जी की कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें, तो टारगेट रखा है कि 2022 तक इंडिया को 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो इंस्टॉल करनी है, राइट. तो ये वाली चीज़ भी याद रखना रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर. तो इंडिया अडॉप्ट कर रही है गाइस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ही बड़े पैमाने पर, बहुत ही बड़े लेवल पर, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को इंक्रीज करना है. और देखो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है, तो इसमें आपका एक एग्जांपल होना चाहिए कि टॉप लेवल पर, टॉप की अगर बात करें तो ग्लोबल लेवल पर सबसे नंबर वन कंट्री जो है एयर पोल्यूशन के मामले में, सॉरी कंट्री नहीं, सिटी जो है वो एयर पोल्यूशन के मामले में, वो गुरुग्राम हम लोग को देखने को मिल रही है. गुरुग्राम सबसे नंबर वन पे, टॉप सिटी ऑफ द वर्ल्ड, टॉप पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तो गुरुग्राम है. और इंडिया में टॉप 10 में से 6 सिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है इंडिया की, जो कि टॉप 10 में है पोल्यूशन के मामले में. तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़े कंसर्न की बात है, इसलिए हम लोग को पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिन्यूएबल एनर्जी पर ज़्यादा फोकस करना है. और रिन्यूएबल के शेयर की अगर हम लोग बात करें, अगर हाइड्रो को हटा दिया जाए, हाइड्रो शेयर को जो कि 25 मेगावाट से ऊपर का हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो इन टोटल पावर जनरेशन वाज अराउंड 10% इन 2018-19 कंपेयर्ड विद अराउंड 6% इन 2014-15. तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है कि शेयर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी का हम लोग को 6% 2014-15 में देखने को मिला था और 10% 2018-19 में देखने को मिला है, यानी कि लगभग 5 सालों के गैप में 4% की बढ़ोतरी जो है वो हम लोग को देखने को मिली है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में. तो ये अगर कहा जाए तो एज़ कम्पेयर्ड इतनी सारी हमारी स्कीम्स चल रही हैं, पॉलिसीज चल रही हैं, इतना हम लोग फोकस कर रहे हैं, बट ये काफ़ी कम है. और इस पर लूप होल्स जो है वो अभी निकाले गए हैं. लूप होल्स क्या हैं आपको पता होना चाहिए. लूप होल्स, एक बड़ा लूप होल है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है सोलार सेल्स की, जो सोलार ग्रिड्स वगैरह होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है. उसके लिए हमने फोकस करना शुरू कर दिया कि अब मेक इन इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में ही हम लोग सोलार सेल की मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे. हम लोग को बैटरीज को लेकर काफ़ी परेशानियां होती थी कि हमारे यहाँ बैटरीज जो है वो मतलब मैन्युफैक्चर नहीं की जाती थी, बिकॉज अगर आप किसी पर्टिकुलर एनर्जी को अगर आपको स्टोर करना है तो यू नीड बैटरी, राइट. आपके पास बैटरी होनी चाहिए एनर्जी को स्टोर करने के लिए, बट हमारे पास बैटरी नहीं है. हम लोग बैटरी के लिए चाइना और जापान का मुंह देखते हैं, तो हम लोगों ने वो चीज़ कैंसिल कर दी है. अब हम लोग जो है वो बैटरी भी इंडिया में ही बनाएंगे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत. और इसके लिए हम लोगों ने बोलीविया नाम की एक कंट्री है, बोलीविया, ये आपको साउथ अमेरिका में कंट्री देखने को मिलेगी बोलीविया, यहाँ से हम लोग जो है वो लिथियम मंगवाने वाले हैं, बिकॉज बैटरी को बनाने के लिए लिथियम नाम का रिसोर्स जो होता है उसका उपयोग किया जाता है. तो लिथियम हम उससे इंपोर्ट कराएंगे और इवन हमारी इंडियन कंपनीज कई सारी बोलीविया में ही जो है वो बैटरीज को बनाएंगी और फिर उसको इंडिया भेजेंगे. तो उससे क्या फ़ायदा होगा, कॉस्ट कटिंग हम लोग को देखने को मिलेगी और हम लोग की डिपेंडेंसी ऐसी फॉरेन कंट्रीज, चाइना जापान जैसी कंट्रीज़ के ऊपर काफ़ी कम हो जाएगी. समझ में आ रहा आपको बातों को. एंड इंडिया जो है गाइस वो फोर्थ पोजीशन पे है वर्ल्ड विंड पावर के मामले में, फिफ्थ पोजीशन पे है सोलार पावर के मामले में, और अगेन फिफ्थ पोजीशन हम लोग को रिन्यूएबल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी के मामले में. एक और फिगर याद रखना आपकी, इंडिया में जो है वो सबसे सस्ते, सब पूरी दुनिया भर में सबसे सस्ते रेट में हम लोग सोलार एनर्जी को जनरेट करते हैं. और कनाडा एक कंट्री है जहाँ पर सबसे महंगे रेट में सोलार एनर्जी को जनरेट किया जाता है. तो सबसे सस्ते रेट में हम लोग सोलार एनर्जी को इसलिए जनरेट कर लेते हैं, द रीज़न बीइंग कि हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, हमारी कंट्री ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन पर है, जिसके माध्यम से हम लोग को सालों साल 12 महीने जो है वो हम लोगों को अच्छी भरपूर
सोलार किरणें सोलार रेज जो है वो मिलती है, जिसका बेनिफिट हम लोग उठाते हैं। और कई सारे एडिटर्स के द्वारा, कई सारे एडिटोरियल में हमने डिस्कस भी किया कि कई सारे लोग बोल रहे थे कि ये वाला काम हम लोग को पहले ही कर लेना चाहिए था, इतना लेट नहीं होनी चाहिए थी। बट गाइज, जब उठे तब सवेरा वाली कहानी होती है। अगर आज से आपको लग रहा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी हम लोग अच्छे से करेंगे, डेली 8 घंटे हम पढ़ेंगे मिनिमम, चाहे कुछ हो जाए, पार्टी हो, फेस्टिवल हो, कुछ हो जाओ, अगर आप ये ठान लो, रेजोल्यूशन ले लो, तो जब उठोगे तब सवेरा होगा। तो इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये है गाइज पूरा ओवरऑल टॉपिक। दोस्तों देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है, जिसमें सजेशन दिए गए हैं कि कंट्री को अपने फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम लैंड प्रोडक्टिविटी टू इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी के ऊपर, कि फार्मिंग एक्टिविटी को सस्टेनेबल बनाने के लिए पानी वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। आप लोग जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले जल ही जीवन है नाम की एक स्कीम, एक इनिशिएटिव के बारे में। तो जल ही जीवन है एक इनिशिएटिव है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का। ये जल ही जीवन है इसके नाम से क्या समझ में आ रहा है कि वाटर को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, बट एक्चुअल में दिस इज़ क्रॉप रोटेशन स्कीम। तो ये यहाँ पर फोकस करते हैं कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ था। हरियाणा के अंदर पैडी क्रॉप्स जो है गाइस, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा था किसानों के द्वारा। हरियाणा में राइस जो होती है, चावल जो होते हैं, उसको चावल और वीट, गेहूं और चावल को रोटेट कर करके वहाँ पर किसान जो है वो उसको लगा रहे थे, बट दूसरे जो क्रॉप्स हैं उसको वहाँ पर नहीं लगा रहे थे। अब इसमें हम लोग एक चीज़ देखते हैं कि जो राइस जो है, चावल जो है, उसमें आप सभी जानते हो कि कितनी भारी मात्रा में पानी का उपयोग होता है। तो सालों से ये राइस और वीट का रोटेशन वहाँ के किसानों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके चलते हरियाणा का वाटर टेबल जो है गाइस वो डाउन हो गया था। ये नोटिस किया गया था कि हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो कम हो रहा है। तो इसके चलते वहाँ पर एक जल ही जीवन है नाम का इनिशिएटिव लाया गया, जो कि एक क्रॉप रोटेशन स्कीम है, एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू किसानों को मोटिवेशन दिया जा रहा था, प्रमोट किया जा रहा था कि वो लोग जो है वो अपने खेतों में दूसरे क्रॉप्स जो है वो लगाएं, और अगर वो दूसरे क्रॉप्स लगाएंगे अपने खेतों में तो उनको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरी एज वेल एज कई सारे इंसेंटिव जो है वो सरकार उनको प्रोवाइड कराएगी। तो ये जल ही जीवन है इनिशिएटिव हमने देखा क्रॉप रोटेशन से रिलेटेड। तो सेम वैसे ही यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे 2018 में बोला गया है कि फोकस लैंड प्रोडक्टिविटी से कम इरिगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा करना है, कि जिसके चलते पॉलिसीज कुछ ऐसी बनाई जाए कि कम से कम पानी का उपयोग किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में। बिकॉज आप जानते ही हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, बिकॉज पौधे जो होते हैं, क्रॉप्स वगैरह जो होते हैं, उनको चाहिए रहता है पानी, और एफिशिएंट तरीके से अगर पानी का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि पानी को भी बचाना है, राइट, उपयोग किया जाएगा, तो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। समझ में आ रहा है आपको बातों को? तो नेशनल प्रायोरिटी जो है वो यही रखी गई है, क्योंकि पानी की कमी जो है वो हम लोग को आज की रेट में देख रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए नेशनल प्रायोरिटी जो है वो वाटर प्रोडक्टिविटी के ऊपर रखी जा रही है। तो ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर सजेशन आया है। एंड एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोमिनेंट ऑक्यूपेशन है, और अगर हमारी कंट्री में रूरल एरियाज़ की बात करें तो 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन रिसाइड्स इन रूरल एरियाज। टोटल 68% हमारी इंडिया की पॉपुलेशन गांव क्षेत्रों में रहती है, एंड रूरल एरियाज़ का, गांव क्षेत्रों का मेजर ऑक्यूपेशन जो होता है वो होता है एग्रीकल्चर, जहां पर काफ़ी सारे लोग एम्प्लॉयड हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल्स एम्प्लॉयड ओवर हेयर, राइट। तो और एग्रीकल्चर जो है वो वाटर, पानी के ऊपर डिपेंडेंट है, जो मैंने आपको बताया। सो एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म लेने की आवश्यकता है, बेहतर पॉलिसीज बनाने की आवश्यकता है, जिससे पानी का जो है वो भरपूर मात्रा में उपयोग हो सके, और कम से कम पानी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी अचीव कर पाए फार्मिंग सेक्टर में, राइट। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और क्रॉपिंग पैटर्न के मामले में बात करें तो यहाँ पर बताएं आप, जल ही जीवन है नाम का जो इनिशिएटिव है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का, काफ़ी अच्छा है, इसका आप एग्जाम्पल लिखिएगा। और जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में, दैट इज़ हाईली स्क्यूड टुवर्ड्स क्रॉप्स दैट आर वाटर इंटेंसिव। ज़्यादातर जो किसान जो है वो पानी पीने वाले जो क्रॉप्स होते हैं उसका उपयोग करते हैं, जैसे कि राइस। तो इसीलिए देखिए, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो इसकी बात करें हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो एमएसपी के बारे में हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट सेट करती है एमएसपी के रेट्स। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं जो ज़्यादा पानी वगैरह नहीं लेते, तो ऐसे क्रॉप्स को भी प्रमोट कर सकती है उन क्रॉप्स में हाई एमएसपी देकर, जिससे कि फार्मर जो है वो उनको दूसरे क्रॉप्स को लगाने के लिए अच्छा खासा पैसा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिल सके, है ना। तो इस प्रकार से भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बना सकती है, ये आप सजेशन में लिखेंगे कि क्या कर सकती है गवर्नमेंट इस प्रकार से।
तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मैंने भी आपको बताया, देखो एमएसपी आ गया यहाँ पर, हैवीली सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज प्रोवाइड करा सकती है, वाटर फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर सकती है. तो क्रॉप पैटर्न जो कंट्री में है इसके लिए ये सिग्निफिकेंट रोल हम लोग को ये तीनों चारों चीज़ों का देखने को मिल सकता है अगर इसको चेंज करना है तो गवर्नमेंट को, राइट. तो ये वाली बात हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है. एंड वाटर गजलर पैडी एंड शुगर केन कंज्यूम मोर देन 60% ऑफ इरीगेशन. देखिए आ गई ना बात पैडी की, जिसके बारे में आपको बताया था कि हरियाणा में काफ़ी सारे फार्मर्स पैडी के ऊपर जो है वो बेस्ड है, पैडी का ही रोटेशन करते रहते हैं, तो इसीलिए उनको दूसरे क्रॉप्स दिए गए हैं अभी, राइट. और यही सब बातें बोली गई है कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है दूसरे क्रॉप्स के लिए रिड्यूस हो गई है, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो इन्हीं सब क्रॉप्स में पानी जो है वो लगा रहे हैं. तो यही सब चीज़ों के बारे में बात की गई. यानी स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश विच हैव हाई लैंड प्रोडक्टिविटी टेंड टू हैव लो, वेरी लो इरीगेशन वाटर प्रोडक्टिविटी रिफ्लेक्टिंग इन एफिशियंट यूज ऑफ वाटर एंड नीड ऑफ रिकैलिब्रेट क्रॉपिंग पैटर्न. इवन तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स के अंदर भी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंड प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, ज़मीन जो है वो काफ़ी अच्छे से वहाँ पे फसलें जो है ज़मीन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती हैं, फसल ज़्यादा होती है, बट वहाँ पर इनएफिशिएंट तरीके से पानी का उपयोग किया जाता है जिसके चलते वाटर लेवल जो है वो डाउन होता जा रहा है. और अगर गाइस बात करें कर्नाटका बेंगलुरु की, तो आपको पता होना चाहिए कि बताया गया है कई सारे साइंटिस्ट के द्वारा कि सन 2050 में साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने क्लेम किया है कि 2050 तक बेंगलुरु में पानी जो है वो नहीं बचने वाला है. तो ये जो है वो फोरकास्ट एस्टिमेशन जो है वो लगाए गए हैं. तो अब सोचिए पानी को बचाना आज की डेट में कितना ज़्यादा ज़रूरी है. और इस प्रकार के मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी या इरिगेशन को एफिशिएंट तरीके से उपयोग करते हुए हम लोग पानी बचा सकते हैं. तो देखिए अगर क्वेश्चन आता है, ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड डायरेक्टली पूछ जाए, अगर पानी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, वाटर कंजर्वेशन से भी रिलेटेड, तो यू हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स जो आप मेंशन कर सकते हैं. इकोनॉमिक सर्वे का आप लाइन लिख सकते हैं जिससे कि आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो कि आप कितने अवेयर हैं चीज़ों को लेकर. समझ में आ रही आपको बातों को? तो ये अप्रोच होनी चाहिए अपनी. दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे में एक सजेशन दिया गया है कि रिटायरमेंट एज जो है उसको बढ़ाई जाए. ये ऐसा क्यों बोला है? तो गाइज आप सभी जानते हो कि इंडिया जो है, हम लोग ने डिस्कस भी किया था जब हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि इंडिया में जो साइज़ है एल्डरली पॉपुलेशन का वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला है अगले 20 सालों में. क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है उसमें मेजर स्लो डाउन हम लोग को दिखाई देगा. फोरकास्ट ये किया गया है कि पॉपुलेशन रेट जो है गाइज वो 1% से भी कम की गति से ग्रो करेगी 2021 से 31 तक में, और 31 से 41 तक के पीरियड में 0.5% से भी कम की गति से हमारी पॉपुलेशन रेट ग्रो करने वाली है. यानी कि जो चाइल्ड बर्थ जो होंगे गाइज वो काफ़ी कम होंगे हमारे यहाँ एज़ कम्पेयर टू नाउ. अभी के मुकाबले 2021 से 31 में चाइल्ड बर्थ रेट्स में कमी देखने को मिलेगी और एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी. तो इस प्रकार का इम्बैलेंस जो है वो इंडिया में क्रिएट होने वाला है. और आप लोग को याद आ रहा होगा कि हम लोग ने सैटरडे या फिर आई थिंक फ्राइडे के ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था राष्ट्रीय वियोगश्री योजना के बारे में, राइट. हम लोग ने बात करी थी RVY के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको असिस्टेड डिवाइस जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, या फिर जैसे ओल्ड एज के समय पे कई सारी डिसेबिलिटीज जो है वो बुज़ुर्गों को होती हैं, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बुज़ुर्ग हैं उनको सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में असिस्टेड डिवाइस जो है वो प्रोवाइड करा रही है. जैसे कि अगर किसी बुज़ुर्ग को सुनाई नहीं देता तो उसको हियरिंग डिवाइस दी जाएगी, किसी को दिखाई नहीं देता तो उसको फ्री में चश्मा दे दिया जाएगा, राइट. और किसी के टांगों वांगों में दर्द है घुटने वगैरह में तो उनको व्हील चेयर वगैरह, तो इस प्रकार की फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि वो नॉर्मल अपने फंक्शंस जो है वो अपनी बॉडी के कर सकें, या फिर उनको कोई भी प्रॉब्लम ना है, बैरियर ना है, राइट, नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए. तो ये इसलिए हम लोगों ने उस समय भी डिस्कस किया था, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फोरकास्टिंग की गई है कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाली है. और ये सब इसलिए हो रहा है इंडिया में क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें गिरावट आई, जो मैंने अभी आपको बताया था, बर्थ जो है वो काफ़ी कम हो रहा है. और प्रोजेक्शन ये लगाया गया है कि 2021 से 41 में और भी ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा, और इवन रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एट 1.8 की हम लोग को 2021 में देखने को मिलेगी. तो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? तो गाइस जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो होती है जब वो 2.1 से भी नीचे आ जाती है तब उसको बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी. इसका मतलब है कि पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन होगी, पॉपुलेशन में गिरावट हम लोग को मेजर तौर पर देखने को मिलेगी. और इंडिया की बात करें गाइस इस मामले में रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट के मामले में, तो बताया जा रहा है कि इंडिया में
जेंडर रेशियो हम लोग को 2.15 और 2.2 का देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर भी इनइक्वालिटी हम लोग को मेल और फीमेल के बीच में बताई गई है, देखने को मिल रही है, राइट. और इसी के चलते इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी देखने को मिल रही है. और करंट टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 22 मेजर स्टेट में से 14 मेजर स्टेट में हम लोग को ऑलरेडी इफेक्टिव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी देखने को मिल रही है. यानी कि 22 मेजर स्टेट्स में से इंडिया की 14 स्टेट्स में के अंदर 2.1 से भी कम की जो फर्टिलिटी जो है, बर्थ रेट्स जो है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, तो ये बताया गया है यहाँ पर. तो मेजर लेवल पर बस ये याद रखो कि इंडिया में एल्डरली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इसके चलते क्या होगा गाइस कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो एकदम से बढ़ेगी इंडिया में. बताया जा रहा है कि 2021 तक एकदम से वर्किंग एज पॉपुलेशन, और वहीं एज ग्रुप जो होगा 20 से 59 का, वो 59% का देखने को मिलेगा इनका शेयर आने वाले समय में 2041 तक. 59% हमारे यहाँ 20 साल से लेकर 59 साल तक के वर्किंग एज पॉपुलेशन के लोग देखने को मिलेंगे. अब इसमें क्या होगा गाइस, इसकी जो साइज़ होगा एल्डरली पॉपुलेशन का 60 ईयर प्लस वाला, ये जस्ट डबल हो जाएगा 8.6% जो कि 2011 में था, उससे 16% 2041 तक में होने वाला है. तो इसका मतलब आप समझ रहे हो कि ये फोकस इसलिए किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं, जो बुज़ुर्ग जो हैं, उनको क्या प्रोवाइड की जा सके, जॉब प्रोवाइड की जा सके. इसीलिए रिटायरमेंट एज को जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसके चलते गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन ना हो पेंशन वगैरह का, ये भी समझना आप. तो न्यू पॉलिसी के चैलेंजेस क्या हैं गाइज, तो हेल्थ को लेकर, ओल्ड एज केयर को लेकर, आने वाले समय में बुजुर्ग जब की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 16% की बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी 60 प्लस लोगों की, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो हेल्थ और ओल्ड एज केयर पर लगाना पड़ेगा. रिटायरमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जैसे कि पेंशन वगैरह, उस पर लगाना पड़ेगा. तो इन सब चीज़ों पर गवर्नमेंट को फोकस करना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा कि गवर्नमेंट का ज़्यादा पैसा जो है, ज़्यादा इनकम जो है वो ओल्ड एज वेलफेयर सर्विसेज में जाएगा. तो इसीलिए बोला गया है कि इंक्रीज़ की जाए रिटायरमेंट एज, जिससे कि जो बुज़ुर्ग लोग जो है गाइस वो भी काम कर सकें, और गवर्नमेंट के ऊपर कम बर्डन आए पेंशन और इन सब चीज़ों का. जिसमें बोला गया कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी जो है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि रिटायरमेंट एज दोनों मेल और फीमेल की बढ़ाने की बात की गई है. और इसमें यह भी बोला गया है कि एडिशनल जॉब जो है वो लाई जाए जो कि वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो कर सकें. और जैसा कि हम लोग ने देखा कि USA, जर्मनी, फ्रांस में ऑलरेडी रिटायरमेंट एज जो है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि पेंशन की जो फंडिंग होती है गवर्नमेंट की, उसका बर्डन गवर्नमेंट जो है वो अपने ऊपर ना उठाए, तो इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की एज जो है वो इंक्रीज कर दी. तो इस प्रकार से आप लोग को अपने आंसर को जो है वो लिखना है. और स्टेट की बात करें इंडियन स्टेट की, तो इंडियन स्टेट में वेस्ट बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये सब स्टेट्स आप याद रख सकते हैं जहाँ पर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी देखने को मिल रही है. यहाँ पर 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट से भी कम हम लोग को देखने को मिल रही है, यानी कि पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. और इवन 2031 तक आते आते सभी स्टेट्स जो हैं इंडिया की वो बिलो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी में देखने को मिलने वाली हैं. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जो कि आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, समझ में आ गई पूरी बात. अब बात कर लेते हैं गाइस एक और चीज़ इकोनॉमिक सर्वे में बताई गई है. आज पूरा लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही बेस्ड हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो देखो, बोला गया है कि मिनिमम वेज सिस्टम जो है वो इंडिया में होना चाहिए, मिनिमम वेज सिस्टम, जिसके थ्रू वेज इनइक्वालिटी जो इंडिया में है उसको रिड्यूस किया जा सके. देखो, आप दूसरी कंट्री में जाओगे, जैसे कि मैं बात करूँ आयरलैंड की, कि आयरलैंड एक बार जाने वाला था मैं, बट वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया अपना. तो आयरलैंड में जो मिनिमम वेजेस जो हैं, यानी कि अगर आप वहाँ पर कोई भी काम करते हो आयरलैंड में, तो एटलीस्ट यू विल गोइंग टू गेट $10, एटलीस्ट $10, राइट. और USA जैसी कंट्रीज की बात करें तो $15 से $20 पर आर का आपको मिलता है वहाँ पर. तो ये 10 आवर्स पर आर, जब मैं जा रहा था, अभी शायद 10 आवर हो गया, मैं जा रहा था $9.40 वगैरह कुछ ऐसा कुछ था रेट, एग्जैक्टली नहीं पता. तो मतलब इसका मतलब ये है मिनिमम वेज सिस्टम का कि एटलीस्ट मिनिमम आपको इतने पैसे तो मिलेंगे, चाहे आप वो कोई भी काम उठा लो, आपको इतने पैसे तो देना एम्प्लॉयर जो है वो आपको देगा ही. और मिनिमम वेज सिस्टम जो है वो हमारे इंडिया में मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के थ्रू देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. यहाँ पर 1915 डिफरेंट टाइप्स के मिनिमम वेजेस की डेफिनेशन है, और अलग अलग कैटेगरीज ऑफ जॉब्स के लिए है. तो इसमें एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस सिस्टम हमारे यहाँ जो है वो नहीं है. तो इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा बोला गया है कि एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस सिस्टम होना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ की तरह. और इवन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी ये बताया गया है कि इंडिया में
तीन में से एक वर्कर, हर तीन में से एक वर्कर जो इंडिया में है उसको मिनिमम वेजेस लॉ के थ्रू वो प्रोटेक्टेड नहीं है। इसलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि आज की रेट में जैसे अभी जो लॉ क्रिएट करने की बात की जा रही है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, हमने देखा कि एक लॉ जो है वो क्रिएट हुआ है डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए, तो कि उनको 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 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवाया जाएगा और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी को लेकर डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ हम लोग को कंट्री में देखने को मिला है। अपने बात करी थी इसी मंथ के स्टार्टिंग में, हम लोगों ने शायद डोमेस्टिक वर्कर्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था इस मंथ के स्टार्टिंग में या प्रीवियस मंथ के एंड में हम लोगों ने देखा था। और देखो ये डोमेस्टिक वर्कर्स का भी आ गया, तो डोमेस्टिक वर्कर्स जो है गाइज वो कवर्ड है मिनिमम वेजेस लॉ के अंदर और सिर्फ 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, 29 में से 18 में ही सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स जो है उनको मिनिमम वेजेस लॉ के अंडर जो है वो रखा है, बाकी में नहीं रखा है। तो दिस इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न, इसलिए एक स्टैंडर्ड मिनिमम वेजेस लॉ को लाने की आवश्यकता यहाँ पर बताई जा रही है, क्योंकि वुमेन जो होती हैं गाइस वो डोमेस्टिक वर्कर्स में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती हैं और मैन जो होते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड्स में देखने को मिलते हैं। बट देन टू यहाँ पर हम लोग को अनईक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी या फिर इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। द रीज़न बीइंग आप देखोगे कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो महिला जो होती हैं घर में जो हेल्पर्स जो आती हैं काम करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, तो उनको कम पैसे दिए जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा नेगोशिएशन किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनके साथ उतना नेगोशिएशन नहीं किया जाता। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को जो है वो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है सेम टाइम ऑफ जॉब के लिए, और बट डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती हैं उनको कम मिलता है, बल्कि डोमेस्टिक वर्कर्स सिक्योरिटी गार्ड से ज़्यादा अपना मेहनत करती हैं, ज़्यादा अपना मैन फोर्स जो है, मैन पावर जो है वो लगाती हैं, है ना। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को जो देखने को मिलती हैं वो खराब ख़त्म हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी इस प्रकार की इनकम इनइक्वालिटी अगर मिनिमम वेजेस सिस्टम की शुरुआत हो गई इंडिया में। तो और सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा ये रिकमेंडेशन दिया गया है कि मिनिमम वेजेस जो है वो डिसाइड किए जाएँ स्किल्स के आधार पर और पूरे ज्योग्राफिकल रीजन, पूरी कंट्री में इसको लागू किया जाए। और गवर्नमेंट जो है गाइज अभी एट प्रेजेंट प्रोसेस में है कि कोड ऑफ वेज बिल जो है वो लाने वाली है पार्लियामेंट में, कोड्स लाने वाली है वेजेस के, राइट। और इसमें पूरी तरह से रैशनलाइज किया जाएगा मिनिमम वेजेस वगैरह को, तब हम लोग और डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि इस प्रकार का जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड मिनिमम वेज सिस्टम जो है वो लाने की बात की जा रही है। एक दोस्तों, अब इकोनॉमिक सर्वे की एक और हम लोग को टॉपिक न्यूज़ देखने को मिल रहा है उससे रिलेटेड, और डोंट वरी आखिरी है बस ये आज का, इसको और समझ लो। तो देखो गाइस, इकोनॉमिक सर्वे में एक और चीज़ बताई गई है कि इंडिया अपनी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकता है अगर वो अपने कोर्ट्स के बर्डन, जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कोर्ट के केसेस वगैरह जो इतने ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो लॉक जैम है, लीगल लॉक जैम, इसको अगर वो ख़त्म कर दे। तो इस पर ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कोर्ट के केसेस और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का क्या रिलेशन है, इस चीज़ को समझो आप। तो गाइज़ देखो, बिजनेस सेक्टर में हम लोग देखते हैं गाइज़ कि अगर केस जो है, अगर किसी कंपनी का या बिजनेस का अगर कोई केस जो है अगर वो कोर्ट में चला जाता है तो उसके बिजनेस में स्टे लग जाता है, कंपनी में स्टे लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है उस कंपनी उस बिजनेस का काम जो है वो रुक जाता है, स्टे लग जाता है उस पर। और कोर्ट के मामले में आप जानते हो गाइज़ कि कितना पेंडिंग केसेस आज की डेट में हम लोग को कोर्ट में देखने को मिल रहे हैं, पुराने केसेस। और इवन अगर मैं बात करूं आपको कि 2009 की लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो एक रिपोर्ट है उसके थ्रू बताया गया है कि इंडिया को 464 इयर्स और लगेंगे आज की रेट में जो कोर्ट्स के पास जो केसेस पेंडिंग है उसको सॉल्व करने के लिए। अगर कोर्ट के अंदर जो जजेस वगैरह जो हैं उनके रिक्रूटमेंट नहीं किए गए, कोर्ट के अंदर ऑफिशियल्स के रिक्रूटमेंट नहीं किए, तो 464 450 साल से भी ज़्यादा लग जाएंगे आज की रेट के कोर्ट के केसेस को, पेंडिंग केसेस को सॉल्व करने के लिए। तो एक ह्यूज बर्डन आज की रेट में जुडिशरी में देखने को मिलता है। और अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी और बिजनेस का केस अगर कोर्ट में लग जाए तो उस कंपनी और बिजनेस का काम ठप हो जाता है, रुक जाता है, और ये एक मेजर बैरियर जो है वो बताया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा। तो इकोनॉमिक सर्वे ने रिकमेंड दिया है कि अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बढ़ानी है, जो कि आज की रेट में हम लोग को 163 पूरे दुनिया भर में देखने को मिल रही है, तो इसको इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले जो पेंडेंसीज जो हम लोग को लीगल लैंडस्केप कोर्ट्स वगैरह में देखने को मिल रही हैं उसको रिजॉल्व करो, उसको क्लियर करो। तो इसके लिए यही चीज़ बताई गई है कि जुडिशरी को बेहतर, मोर एफिशिएंट जो है वो बनाना पड़ेगा, ऐसे मतलब यानी कि इकोनॉमिक
सर्वे की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए जुडिशरी को और बेहतर एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। दो तरीके से ये पॉसिबल हो पाएगा बताया गया है। एक है कि कोर्ट को 100% केस क्लियरेंस रेट जो है वो अचीव करना पड़ेगा, यानी कि जिस साल के अंदर, यानी कि इसमें लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस डिस्पोज्ड इन अ गिवन ईयर टू द नंबर ऑफ केसेस इंस्टीट्यूटेड इन दैट ईयर। तो जितने एक साल में जितने केसेस आ रहे हैं उतने ही केसेस जो है वो डिस्पोज किए जाएँ, तो इस रेशियो को जो है वो 100% अचीव करना पड़ेगा, यानी कि 100% केसेस जो है एक ही साल के अंदर जो है वो डिस्पोज करने की बात की गई है, राइट, कि कोई भी पेंडेंसी जो है वो ना रहे। और सेकेंडली, जितने भी बैकलॉग हैं केसेस के, पेंडिंग जो केसेस हैं उसको ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सिस्टम मस्ट बी रिमूव्ड, उसको जल्द से जल्द जो है वो क्लियर किया जाए पेंडिंग केसेस को। तो ये इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, इंडियन कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल सर्विसेज जो है गाइस उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, कोर्ट्स की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सजेशंस हैं, ये आप लिखेंगे एग्जाम में। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा लीगल सिस्टम में। नंबर ऑफ वर्किंग डेज जो है कोर्ट के उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है केसेस जो है वो भी मतलब कम तेज़ी से जो है वो सॉल्व होंगे। और एक डेटा और आप याद रखो, ये डेटा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का ही डेटा है। इस डेटा में पाया गया है कि एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर ऑन एन एवरेज लगभग डिस्ट्रिक्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो 3 करोड़ केसेस इनके पास पेंडिंग है। हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट में लगभग 59 लाख केसेस पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें गाइस तो सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंट 50,000 के आसपास केसेस पेंडिंग है। तो इतने ह्यूज नंबर ऑफ केसेस आज की डेट में पेंडिंग देखने को मिल रहे हैं। और इवन अगर मैं बात करूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में करीब लगभग 15-20% केसेस ऐसे हैं जो कि 1980s से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट 15% केसेस जो बिलोंग कर रहे हैं 1980s से, और 5 सालों से ज़्यादा के केसेस की अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी 15% लगभग केसेस ऐसे हैं जो कि 5 सालों से चल रहे हैं। तो ये स्थिति है आज की डेट में हमारे इंडियन कोर्ट्स की। तो इतना बर्डन है इसको सॉल्व करने के लिए ये सजेशन दिए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये था गाइस, बताया जा रहा है कि इस तरीके से क्या होगा कि बिज़नेस और कंपनीज वगैरह जो है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोर्ट केसेस जब उनके ऊपर लग जाते हैं तो उनका बिज़नेस जो है वो नहीं रुकेगा, स्टे नहीं लगेगा उसके बिज़नेस में, जल्द से जल्द जो है वो जजमेंट आ जाएगा और जिसके थ्रू बिज़नेस सेक्टर के अंदर भी हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, और बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं नंबर पर कांटेक्ट करके, जहां पर हम लोग आपको कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, समय समय पर टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। और अभी जो अभी आपने ये वीडियो देखा, इसकी PDF चाहिए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में इसकी PDF हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, बट वो सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर के लिए ही अवेलेबल होती है। और अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स हैं। ये जो आपको यूज़र नेम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन यूज़र नेम को अगर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सर्च करेंगे तो हमारे फ्री स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती हैं। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।